नमस्कार, कमाई का अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली से मैं हूँ वीरेंद्र कुमार, और साथ ही साथ मेरे साथ मुंबई से आज मुंबई स्टूडियो से मौजूद हैं हर्षदा, जो आज कमाई का अड्डा की कमान संभालेंगे। और हर्षदा, आज अगर आप देखें, ये आपकी खुशनसीबी है, यकीन मानिए। आज से 5 रोज पहले तक हमको ये बड़ी मुश्किल होती थी कि भाई क्या छाट करें, क्या बात करें, किस पर आउटलुक लें, किस पर व्यू एक्सप्रेस करें। और आज जब आप आई हैं तो आप कम से कम खुशनसीबी से ये कह सकती हैं कि लीजिए निफ्टी ऑल टाइम हाई पर और सेंसेक्स ऑल टाइम हाई पर। जी हाँ, शुक्रिया वीरू। इनफैक्ट एक नार्सिसिस्ट अगर मैं होती तो मैं बोलती कि मैं आई और बाहर आई, लेकिन वाकई में पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में लगातार तेजी देखने को मिली है, फौलादी तेजी आप कह सकते हैं, क्योंकि आप जिस सेक्टर पर नजर फेरे वो तेजी में है। और सेंसेक्स तो अपने नए मुकाम पर पहुंच ही चुका है, रिकॉर्ड तेजी, रिकॉर्ड ऊंचाई के लेवल जिसने अपने नाम कर लिए हैं। बस इंतजार अब निफ्टी में और एक्शन बढ़ने का रहेगा। हम 15900 को हासिल कर चुके हैं, अब इंतजार रहेगा 16000 और उसके ऊपर के लेवल्स का। चौतरफा खरीदारी का मूड और इस खरीदारी के बाजार में फिर आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। वीरू, आपको बताएंगे कि लेवल्स के लिहाज से, पोजीशंस के लिहाज से मूड माहौल क्या बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन स्टॉक्स में एक्शन कहां पर है इस पर भी हमारी नजरें रहेंगी। और फंडामेंटल्स पर हम डिटेल में बात करेंगे मयूरेश जोशी से। टेक्निकल कॉल्स के लिए मुंबई से ही हमारे साथ प्रकाश गाबा जुड़ेंगे, राजेश पालिया से होगी बातचीत, श्रीकांत चौहान भी हमारा साथ देंगे, और राजस्थान से संकल्प चतुर्वेदी, तो बीकानेर से चंदन तापड़िया, और साथ ही साथ भोपाल से रचना वैद को भी जोड़ेंगे इसी कार्यक्रम में आगे। लेकिन सीमेंट में काफी एक्शन देखने को मिला है, तो सीमेंट स्टॉक्स पर भी काफी डिटेल में रिसर्च दीपाली राणा ने की है, वो हमारे साथ जुड़ेंगी, और बजाज फाइनेंस का जो Q1 अपडेट है उस पर भी हम आपको जानकारी देंगे कि क्या फाइन प्रिंट कह रहा है, आगे का आउटलुक क्या बनता दिखाई दे रहा है, कितने मजबूत नतीजे रहेंगे, यतिन जुड़ेंगे, और डीलिंग रूम पर भी उन्हीं से होगी बातचीत। 3 बजे संजीव भसीन अपने भरोसेमंद कॉल्स के साथ लेकर हमारे साथ जुड़ेंगे। तो काफी एक्शन है, और इस एक्शन के पीछे देखिए आज तेजी का ही मूड बनता दिखाई दे रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो, लेकिन फटाफट पहले स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जो आपको साफ दिखाएगा कि कितनी स्ट्रेंथ है, कितने कॉन्फिडेंस के साथ आज दरअसल ट्रेड लिया गया है। लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से, और कल और आज में खास तौर से, ये 2:1 का रेशियो बना हुआ था, जो आप कह सकते हैं रफली अब भी कायम है। निफ्टी में जो चाल है उसकी तेजी के पीछे निजी बैंकों का एक बहुत बड़ा हाथ, और निजी बैंकों की वजह से ही आज हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक दरअसल कर रहा है आउट परफॉर्म। तो खरीदारी का मूड, 550 अंकों का उछाल निफ्टी बैंक में, और निफ्टी भी 15906 के लेवल्स पर। वीरू, एक्शन तो भरपूर है, लेकिन बताइए चार्ट पर कितना कॉन्फिडेंस देखने को मिला है, क्योंकि सुबह में आप इशारा कर रहे थे कि एक तेजी का मूड रहेगा, खरीदारी के पक्ष में रहेंगे तो फायदा कमाएंगे, और हमारे दर्शकों ने वो खूब कमाया भी है। अब यहां से आगे चाल कितनी मजबूत? जी देखिए हर्षदा, 2 चीजें हैं इस बाजार में। बायर थे, और पिछले 2 दिन से नेट कैश इनफ्लो था, FIIs की सेलिंग को बहुत हद तक कंपनसेट कर रहा था DIIs का कैश, और कल भी आप देखें नेट 300 करोड़ रुपए का था। और दूसरी चीज हर्षदा, ये जो बैंक्स और NBFCs का एक ब्लेंडेड अगर आप देखें जो स्ट्रेंथ होती है ना, ये बाजार को न्यू हाई क्रिएट करने में, प्रीवियस हाई को क्रॉस करने में बहुत मददगार होती है, और वो कल मिड सेशन से विजिबल था। और एक और चीज मिड सेशन से विजिबल थी, पुट राइटर्स। कल जब हम इसी समय बात कर रहे थे हर्षदा, तो 15800 के पुट राइटर को देख के, जब वो कल इसी टाइम करीब 50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के एडिशन के साथ खड़ा था, मेरे को लग रहा था कि बाजार तेजी का है। सुबह डेटा में एक चीज क्लियरली विजिबल थी कि FIIs ने ये संकेत दिए हैं, भले ही वो 300 करोड़ रुपए के सेलर थे, लेकिन जिस प्रकार से 27,000 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने पुट शॉर्ट किए थे, वो ये इंडिकेट कर रहे थे, जिस शब्द का मैंने इस्तेमाल भी किया था सुबह, कि बाजार अपनी ट्रेजेक्ट्री चेंज करने वाला है तेजी के साथ, ये वो हो चुका है। अब आप क्या करें, याद रखिएगा अब सबसे बड़ा कॉल राइटर कहीं खड़ा है, तो वो है 16,000 की स्ट्राइक। 15900 पे थोड़ी सी कॉल राइटिंग है, लेकिन मैं ये कहूंगा इफ यू आर अ डे ट्रेडर, अगर आप डे ट्रेडर हैं, तो 15910 से 15940 के बीच में अपने लॉन्ग्स को बुक करिए, अगर आप डे ट्रेडर हैं, पोजिशनल ट्रेडर्स बने रहिए। दूसरी बात, निफ्टी बैंक ने ही ये पूरे के पूरे मूव को स्पॉन्सर कराया है हर्षदा। मेरा सुबह का कल का टारगेट था 35,200 35,320, वो निकला तो 550 के बाद 720, और 720 के बाद याद रखिएगा 810, ये जून सीरीज का फर्स्ट वीक का हाई है। 810 से लेकर 840 के बीच से लेकर 790 780
इस प्राइस पर डे ट्रेडर्स बुक कर लीजिए, लेकिन पोजिशनल ट्रेडर्स बने रहिए। क्यों? क्योंकि 35,810 के ऊपर अब हम उस ट्रेजेक्ट्री में आ जाएंगे जो कि ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री है। तो डे ट्रेडर्स यहां पर इंडेक्स पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके कैश में कन्वर्ट करें, स्टॉक फ्यूचर्स पे फोकस करें, और पोजिशनल ट्रेडर्स चाहे वो ऑप्शंस के थ्रू हो चाहे वो फ्यूचर्स के थ्रू हो, हर्षदा स्टे लॉन्ग, यही एक अप्रोच होगी। के साथ बने रहें, खरीदारी करके चलें। निफ्टी बैंक में ज्यादा कॉन्फिडेंस ऑफ कोर्स देखने को मिल रहा है, और कई सारे जानकार सुबह से जिन लोगों से मेरी भी बातचीत हुई है वीरू, उन्होंने यही कहा कि देखिए अगर 16,000 के लेवल्स पर आप सबकी निगाहें हैं तो निफ्टी बैंक का भी साथ होना चाहिए, और निफ्टी बैंक भरपूर खरीदारी दिखा रहा है, तेजी की तरफ इशारा जरूर है। अब बैंकों में कितना और जोश, कितना और एक्शन बनता दिखाई देगा उस पर भी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन वीरू एक अपडेट आ रहा है टाटा मोटर्स की ओर से। टाटा मोटर्स का जो Q1 में कह रहे हैं JLR में नेगेटिव एबिट मार्जिन देखने को मिल सकता है, एक नेगेटिव एबिट मार्जिन का अनुमान लगाया जा रहा है। ये दरअसल टाटा मोटर्स की ओर से आई है कमेंट्री, और ये एक अच्छा संकेत बिल्कुल नहीं है कि मार्जिन पर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। इनफैक्ट वो ये भी कह रहे थे कि JLR की जो Q1 में बिक्री है ना उसमें थोड़ा सा धीमापन देखने को मिला है, ये सेमीकंडक्टर क्राइसिस के चलते। लेकिन ये जो नेगेटिव एबिट मार्जिन का अनुमान कंपनी दे रही है वो इनफैक्ट भारी पड़ सकता है। ऊपरी लेवल से देखिए स्टॉक फिसलता हुआ, अक्टूबर मार्च में चिप शॉर्टेज खत्म होने के आसार हैं, तो ये आउटलुक भी उनका मजबूत है, लेकिन समय लगेगा। अक्टूबर की बात कर रहे हैं, अब हम देखिए जुलाई के महीने में ही है, तो कुछ समय बाकी है। वो चिप शॉर्टेज, और चिप शॉर्टेज के चलते ही दरअसल वो प्रेशर बनता हुआ तेज अनवाइंडिंग हो रही है टाटा मोटर्स में। इस समय वीरू करीब 2.5% का 3% की गिरावट आ गई है देखते ही देखते इस खबर पर। जी हाँ, एक काम करते हैं हर्षदा, पैनल से एक बार स्टॉप लॉसेस लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि आज का जो टाटा मोटर्स का वॉल्यूम्स डे है ये है 10 जून के बाद का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे। पैनल में हमारे साथ मौजूद है इस वक्त मानस जायसवाल भी। मानस, एक रीजनेबल स्टॉप लॉस किया होगा अभी अभी इस स्टॉक ने, अगर आप देखें इस कमेंट्री के साथ अपने 336 के लेवल को तोड़ दिया है, आपकी राय क्या होगी रीजनेबल स्टॉप लॉस फॉर टाटा मोटर्स? राजेश पालवे जी, आपकी राय क्या होगी, 335 एटलीस्ट, या फिर किसी के पास लॉन्ग ट्रेड है तो क्या 330 की पुट लेनी चाहिए? ठीक है वीरेन जी, गुड आफ्टरनून। देखिए रिएक्शन तो एकदम शार्प आया है स्टॉक में, और हालांकि स्टॉक में अभी भी देखें तो 330 का जोन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये 303 को वायलेट करता है तो फिर यहां से सेलिंग एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। बट जिस तरीके से अभी ये जिस तरीके से कैंडल बनी है अभी पिछले 15 मिनट की, वो ये दिखाती है कि यहां से सेलिंग प्रेशर एक्सटेंड हो सकता है। करंट लेवल से स्टॉप लॉस रखना होगा, जो भी शॉर्ट करेंगे अभी यहां से करंट लेवल से वो 345 के आसपास का स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें, वो स्टॉप लॉस यहां से काफी अहमियत रखेगा। स्टॉक में लोअर साइड पे इमीडिएट जो सपोर्ट एरिया है वो करीब है 330 का, 330 टूट जाता है तो फिर मुझे लगता है ये स्टॉक में 326-323 तक की भी डाउनसाइड यहां से ओपन होते हुए दिखेगी, तो थोड़ा सा वेट करें। स्टॉक में इमीडिएट एक सेलिंग प्रेशर जरूर आया है, 345 का स्टॉप लॉस ध्यान रखें शॉर्ट करने के लिए 330 के टारगेट के लिए। ओके, मयूरेश जोशी भी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त, अगर आप देखें इस कमेंट्री पर, और जो ये चिप शॉर्टेज जो है ये दुविधा जब तक दूर हो जाएगी, दरअसल वो टाइम ड्यूरेशन जो अभी टाटा मोटर्स ने दी है वो काफी दूर की दी है, क्यों में जिला के नेगेटिव एबिटा मार्जिन का अनुमान। मयूरेश, आप कैसे रीड करते हैं इस वक्त टाटा मोटर्स पे? अभी अगर आप देखें CLSE की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जहां पे करीब 450 से लेकर करीब 500 तक के टारगेट दिए गए थे, लेकिन अपने जिला बिजनेस को लेकर जो इनके कमेंट्स हैं उन पर आपका टेक। मीनवाइल मैं ट्रेडर्स को यही कहूंगा कि प्लीज मॉनिटर एंड वॉच 330 वेरी केयरफुली, 330-333, क्योंकि ये जुलाई फ्यूचर्स पे आप फ्यूचर्स को ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक पिवट पॉइंट है 333। आपकी राय मयूरेश, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को इस वक्त? आफ्टरनून वीरू जी, नहीं जो ये न्यूज है आई थिंक सिर्फ टाटा मोटर्स नहीं, अगर आप ग्लोबल ऑटो मेकर्स की कॉमेंट्री सुने आई थिंक सारे ग्लोबल ऑटो मेकर्स को ये तकलीफ है और दिक्कत है इन टर्म्स ऑफ सेमीकंडक्टर शॉर्टेज, और ये शॉर्टेज के वजह से आई थिंक काफी स्टॉपेजेस लेने पड़े प्रोडक्शन में।
कहीं कहीं प्लांट स्टॉपेजेस थे और कहीं की आई थिंक कोविड रिलेटेड इश्यूज के वजह से स्टॉपेजेस थे. इरिस्पेक्टिव आई थिंक दिस इज वन न्यूज दैट द मार्केट हैज टू जेस्टेट और जेस्टेट कर चुका होगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड दैट विल पॉजिटिवली प्ले आउट इन टर्म इनफैक्ट इट विल प्ले आउट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. जो टाटा मोटर्स कह रही है सारे ग्लोबल मेजर्स यही कहेंगे. तो मेरे को लगता है आई थिंक दिस इज अ नोन फैक्ट इन टू द मार्केट्स. थोड़ा सेंटिमेंटल इफेक्ट जरूर आ सकता है स्टॉक पे. वॉल्यूम्स पे इंपैक्ट आएगा इसलिए आई थिंक कैश फ्लोज और लेवरेज पे इंपैक्ट आ सकता है एंड देयरफॉर क्वार्टर वन नंबर्स दैट दे रिपोर्ट प्रोबब्ली दैट कैन स्पिल ओवर इन क्वार्टर टू एज वेल. बट मुझे लगता है आई थिंक एज दीज इश्यूज एंड सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स आर टेकन केयर ऑफ अगले कुछ हफ्तों में और जैसे थिंग्स नॉर्मलाइज होती है जो पेंट अप डिमांड है वो आई थिंक रेगुलराइज करेगी वॉल्यूम्स को सेकंड हाफ में. तो एक सेंटिमेंटल हिट जरूर आ सकती है स्टॉक पे बिकॉज ऑफ द न्यूज. बट आई थिंक इट्स अ प्ले फॉर एवरीबडी. सिर्फ टाटा मोटर्स के लिए नहीं है सारे कंपनीज के लिए भी प्रभावित होता है. पहले आशना फ्रेंकली स्पीकिंग जब नेगेटिव एबिट की बात हुई थी ना जब आपने ये फ्लैश पढ़ा तो एक बार के लिए मुझे भी सेटबैक लगा. लेकिन सेमीकंडक्टर वाली बात सुनकर अगर आप देखें मुझे भी लगा आई मीन दिस ड्रॉबैक परसिस्ट विद द एंटायर इंडस्ट्री. आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं बाजार को इन्वेस्टर को प्रिपेयर कर रहे हैं? आई मीन ये तो बातें जग जाहिर थी. अब वीरू मैं यही कहने वाली थी कि सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज है ये सब जानते हैं. इनफैक्ट घर का हाल बच्चा जानता है अगर आप लोग घर पे बैठ के लगातार ट्रेड करते हैं कि सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज है. इसमें कोई नई बात नहीं है. अब कमेंट्री ये क्योंकि आई है कि होपफुली अक्टूबर मार्च में ये रिजोल्व होती हुई दिखाई देगी तो शायद ये थोड़ा सा एक ऑप्टिमिज्म लाएगा इस ट्रेड में. लेकिन यहाँ पर वीरू एक और जो डिटेल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 100 करोड़ पाउंड का कैश आउटफ्लो भी देखने को मिल सकता है Q1 में. अब ये कैश आउटफ्लो क्यों है वीरू इस स्टॉक में ना एक्चुअली एक तरफ ये दोनों तरफ की चीजें हैं. एक आउटलुक सेल्स की पिक्चर क्या रहेगी ईवी में जिस तरह से कंपनी अग्रसर होती दिखाई दे रही है. लेकिन याद रखिएगा वीरू हम इंतजार कर रहे हैं कि टाटा मोटर्स की कमान किसके हाथ जाने वाली है. जो करंट या फिर जो पिछले एमडी सीईओ थे गुंटर बुशेक उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से कंपनी को रन की थी. पैसेंजर व्हीकल्स में जो भी मार्केट शेयर हासिल किया कंपनी ने वो उनके बदौलत था. ईवी में पहल लाना टाइमली थी. अब अगला जो बेटन किसके हाथ जाएगा वो जानना इंपॉर्टेंट है. यतिन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं. यतिन एक तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि एबिट मार्जिन में दबाव देखने को मिलेगा नेगेटिव एबिट आएगा जेएलआर के लिए और जेएलआर एक साइजेबल बिजनेस का शेयर लाता है टाटा मोटर्स के लिए. ये कैश आउटफ्लो के डिटेल्स क्या है और क्या कंपनी आउटलुक दे रही है Q1 के लिए प्लीज बताइए. तो देखिए हर्षदा जहां तक की फर्स्ट क्वार्टर का सवाल है जेएलआर के लिए होलसेल नंबर्स अच्छे हैं ग्रोथ अच्छी है. लेकिन अगर आप शेयर होल्डर हैं तो वॉल्यूम्स आ रहे हैं आपको नुकसान पे. अगर आप कंपनी की देखें तो इन्होंने लगभग 30,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन लॉस किया है Q1 में क्योंकि जो सेमीकंडक्टर शॉर्टेज पूरे ग्लोबल लेवल पे देखने को मिल रही है उसके कारण सबसे पहले प्रोडक्शन लॉस हुआ है. डिमांड जो है दूसरी तिमाही में भी कंपनी का कहना यह है Q2 में वीक रहेगी. इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कंपनी ने दिए एबिट मार्जिन पे. एबिट मार्जिन पूरा स्ट्रीट में जो रिपोर्ट्स पढ़ रहा था 4-6% पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री में है और पहले दो क्वार्टर्स अगर आप देखें चैलेंजिंग हो सकते हैं मैनेजमेंट के हिसाब से. Q1 में उन्होंने कहा है कि एबिट मार्जिन नेगेटिव आएंगे यानी आप हर यूनिट जो बेचते हैं वहां शायद आपको नेगेटिव एबिट मार्जिन देखने को मिल सकता है Q1 में मैनेजमेंट के हिसाब से और स्ट्रीट 4-6% पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री में है. तो अज्यूमिंग आपके पहले दो क्वार्टर्स वॉश आउट हैं कोविड के चलते सप्लाई चेन के चलते और मार्जिन्स जो आपने गाइड किए थे उससे शायद कम हो जाए इसके कारण ईपीएस कट्स आपको आते हुए देखेंगे. डिमांड नो डाउट अच्छी है लेकिन एक कॉस्ट पे आ रहा है. हमने ये देखा है एल्यूमिनियम स्टील प्राइसेस काफी प्रेशर डाल रहे हैं ऑटो कंपनीज के मार्जिन पे. और टाटा मोटर्स ने और एक चीज बताई है कि उनका फ्री कैश फ्लो पहली जो क्वार्टर है उसमें नेगेटिव 1 बिलियन पाउंड रहेगा. तो लगभग 8-8.5 हजार करोड़ के आसपास आपको फ्री कैश फ्लो नेगेटिव आता हुआ दिखेगा. तो दो की टेकअवेज थे वॉल्यूम होने अच्छे होने के बावजूद पहले क्वार्टर के एबिट मार्जिन नेगेटिव और दूसरा पॉइंट के फ्री कैश फ्लो जो आप बता रहे थे कि 2-3 साल में पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री में हो जाएंगे पहले क्वार्टर में लगभग 8-8.5 हजार करोड़ का कैश बर्न कंपनी ने अपने रिलीज में बताया है. बड़ा कैश बर्न है.
अब होपफुली कैश बर्न का कुछ फायदा मिले, वरना कोई बात नहीं होगी। स्टॉक इसीलिए शायद तेजी से फिसल रहा है। यतिन इनफैक्ट हमारे साथ बने रहेंगे, बजाज फाइनेंस के जो नंबर्स आए हैं, Q1 का अपडेट आया, उस पर भी डिटेल लेंगे। मैं इस समय असित बरनपति को जोड़ना चाहती हूँ। असित, गुड आफ्टरनून। ऑप्शंस का ट्रेड क्या कुछ इशारा कर रहा है आज टाटा मोटर्स के लिए, जिस तरह की पोजीशंस लार्जली अनवाइंड हुई हैं इस खबर के आने के बाद? थोड़ा तो ये कॉल ऑन बाइंडिंग दिखने को मिल रहा है, बट आई विल नॉट बी टेकिंग ए ट्रेड बेस्ड अपॉन द न्यूज। इट कैन बी वोलेटाइल एंड कैन रिवर्स, सो टाटा मोटर्स में आई विल नॉट बी टेकिंग ए ट्रेड। आई थिंक देयर इज मच बेटर ट्रेड अवेलेबल, सो आई विल स्किप टाटा मोटर्स। उसमें खबर के बल पर इस समय ट्रेड ना ले, वो नीजक रिएक्शन आ चुका है। मयूरेश ने कहा डिप पर खरीदारी की जा सकती है, पालवे साहब ने लेकिन दिया आपको एक टारगेट 330 का, 335 के लेवल्स आ चुके हैं, 3% टूट चुका है, तो देखते हैं यहाँ से अगर और भारी गिरावट आती है तो इस ट्रेड को रिविजिट करेंगे। लेकिन असित, आपने कहा कि इस बाजार में जहां पर तेजी बन रही है और भी बेहतर ट्रेड होंगे, तो बताइए इस समय आपका टॉप कॉल क्या है? मुझे लगता है बैंक निफ्टी में जिस टाइप का अट्रैक्शन है 36,000 हमें आराम से दिखेगा कल, मे बी टूडे ऑल्सो इफ यू आर सीइंग द अट्रैक्शन, बट मैं बैंक निफ्टी में लॉन्ग जाना चाहूंगा विद दिस स्ट्राइक प्राइस का कॉल फॉर दिस वीक। इस बीच आप जरा प्लीज टाटा मोटर्स फ्यूचर्स लेके आइए। टाटा मोटर्स फ्यूचर्स में अगर आप इसको पिवट पॉइंट्स को डिक्लेयर करें और ढूंढे हमें चार्ट्स पे, तो 330 एक पिवट पॉइंट था, 333 वो वॉलेट हो गया है। तो पहले तो अगर आप देखें खबर के बाद अगर आप देखें रनिंग लॉन्ग ट्रेड्स का स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुआ है, और अगर आप देखें अब थोड़ा सा शॉर्ट्स जो है वो इस स्टॉक पे कैपिटलाइज करते हुए 333 के अगर आप देखें एक पिवट लेवल के इंटरडे चार्ट्स पे वॉलेट होने के बाद, आई थिंक अगर आप देखें सिर्फ एक चीज नहीं है, इसके बाद और भी आप देखें ऑटो स्टॉक्स का मूड बिगड़ गया है। लुक एट अशोक लेलैंड, अशोक लेलैंड आपकी स्क्रीन पर आप देखें, जरा आप एक बार जरा चार्ट लेके आएंगे अशोक लेलैंड का, ये भी 124 पर डेल ऊपर आके खड़ा हो गया, और जैसे ही अगर आप देखें कमेंट्स आए उसके बाद अगर आप देखें इन स्टॉक्स में भी अनवाइंडिंग शुरू हो गई और डेलो की तरफ स्टॉक्स बढ़ने लगे। पालवे साहब, आपका 2 बजे का कन्वर्शन ट्रेड क्या होगा? हालांकि आप सवा दो हो चुके हैं, टाटा मोटर्स ने गाड़ी आगे खिसका दी है, खुद ही पीछे जा रहा है, लेकिन आपका ट्रेड क्या है? तो बिल्कुल, टाटा मोटर में जो रिवर्स गियर लगा उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं सभी स्टॉक्स में देखने को मिला। हालांकि मैंने जो ट्रेड आइडेंटिफाई किया था वो था नैम इंडिया का, थोड़ा सा स्टॉक जरूर नीचे आया है, बट देखे तो ड्यूरिंग द डे काफी अच्छा बिल्टअप इस स्टॉक में देखने को मिला है। अभी करीब फ्यूचर ट्रेड कर रहे 376 के आसपास, तो मैं यहाँ पे इसमें जो स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा लॉन्ग करने के लिए वो आएगा करीब 373 के आसपास, 3 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस रख के इसको ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। क्योंकि अगर हम स्टॉक में देखें जो सेटअप बने हुए वो ये दर्शाते कि ये अगर आज 373 के नीचे नहीं जाता तो यहां से एक अच्छा अपने यहां से बनते हुए दिख सकता है। 390-394 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो नैम इंडिया बाय करने की सलाह रहेगी अभी करंट लेवल पे। तो निपॉन लाइफ इंडिया यानी कि नैम इंडिया में तेजी का ट्रेड, 375 पर कर रहा है कारोबार, स्टॉक थोड़ा सा फ्लैटिश है लेकिन 394 का टारगेट इस समय राजेश पालविया दे रहे हैं। संकल्प, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका कन्विक्शन कॉल इस घंटे। I am tracking IRCTC, कल से इसमें एक अच्छी बाय चल रही है, ऑलमोस्ट 100 रुपीज आप है, एंड सुबह हमने देखा इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट आई थी और स्टॉक ने बॉटम बना के वापस अपनी अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में है, तो इस मूव को कैप्चर करने के लिए आई विल गो लॉन्ग इन द 2200 कॉल। इट इज ट्रेडिंग एट समवेयर अराउंड 72-73 राइट नाउ, एंड वी ट्रेड इट फॉर टू टारगेट्स 99 एंड 110, स्टॉप लॉस इसमें रखेंगे 61। ओके, तो ये फिलहाल आईआरसीटीसी पर भी एक लॉन्ग का कॉल आ रहा है, तेजी की पोजीशन यहाँ पर भी लेकर चले, दो दिनों से ट्रैक कर रहे हैं संकल्प से। और वैसे भी आप देखिए ट्रैवल से जुड़े हुए कोई भी शेयर उठाइए आज, चाहे वो इजी ट्रिप हो, एविएशन कंपनी हो, होटल स्टॉक्स हो, सब में जमकर तेजी बनती दिखाई दे रही है। और इस समय आईआरसीटीसी का कॉल 2200 का लेकर चले, ये फिलहाल संकल्प ने आपको साफ कॉल दिया है। चलिए गावा साहब को भी जोड़ लेते हैं। गावा साहब, गुड आफ्टरनून, बताइए इस घंटे क्या लिया जाए? इस घंटे मुझे लगता है कि M&M फाइनेंशियल अच्छा लगता है, क्योंकि फाइनेंशियल्स में एक अपूर्ण नजर आता है। टारगेट हमें अपसेट करीब 165 का है, स्टॉक होगा 160,
M&M Financial. बाय. ओके तो आपका अगर आप देखें तो यहाँ पर ये ठीक है, इस स्टॉक पे आप लॉन्ग जाएंगे. मीनवाइल ठीक दो बज के एक मिनट पर मैंने आपको कहा कि डे ट्रेडर्स प्लीज अपने इंडेक्स का जो प्रॉफिट है बुक कर लीजिए. एग्जैक्टली अगर आप देखें जब कमेंट्री गई उस वक्त निफ्टी का लेवल था स्पॉट का 15910, अब 876 पे आ चुका है. उस वक्त बैंक निफ्टी का लेवल था 35800, अभी करीब करीब 35732 का आ चुका है. ऐसा नहीं है कि टाटा मोटर्स की खबर ने अगर आप देखें प्रॉफिट बुकिंग जनरेट कराई हो, वो एक पिवट लेवल पॉइंट था और निफ्टी बैंक का वो जो हाई था 35810 का वो एग्जैक्टली 3 जून यानी जून की सीरीज के फर्स्ट वीक का हाई था. अमूमन वो हाई किसी भी सीरीज के फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट का हाई काफी महत्वपूर्ण आता है. खराब नहीं लेकिन इंडेक्स का वहां से डक कूद पाना लाजमी था. थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग बाजार में आ रही है, अच्छा है. और अगर आप देखें कुछ स्टॉक्स जो कि इस वक्त थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के ग्रिप में ज्यादा है उसमें आप देखिए मेटल्स हैं. लुक एट जिंदल स्टील, आपकी स्क्रीन पर आप देखिए ट्रेड करता हुआ डे लो के स्तर पर और आप समझ लीजिए कि कल की कैंडल के लो को भी वॉलेट करने की तैयारी करता हुआ. आपकी राय क्या होगी इस स्टॉक पे पालवे साहब? मेटल्स में आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है, टाटा मोटर्स और गहराता हुआ. मेटल्स में क्या लॉन्ग से एग्जिट करना चाहिए इस वक्त, स्पेशली योर टेक ऑन जेएसपीएल? तो ओवरऑल मेटल स्टॉक्स में अगर हम बात करें तो सिर्फ टाटा स्टील को छोड़ के सभी स्टॉक्स में अभी भी अपने प्रीवियस स्विंग हाई को कभी क्रॉस नहीं कर पाए. पिछले वीक मंथ में भी हमने देखा स्टॉक में हायर साइड पर सप्लाई जरूर बना था. तो जिंदल स्टील का अगर हम सेटअप डिस्कस करें तो करंट लेवल पर जिस तरीके से अभी ट्रेड कर रहा है यहां से इंपॉर्टेंट लेवल है इसके लिए. फ्यूचर के लेवल की बात करें तो 390 का लेवल है और वो ऑलमोस्ट वहीं ट्रेड कर रहा है. मुझे लगता है कि अगर ये 390 के नीचे अगर ये सस्टेन हो जाएगा तो स्टॉक में एक प्रेशर जरूर बनेगा और स्टॉक फिर यहां से 382-380 की तरफ ड्यूरिंग द डे भी फिसलता हुआ दिख सकता है. तो मेटल स्टॉक्स में जरूर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है तो हमें यहां पे जिंदल स्टील में शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट करेंगे. 390 अब यहां से वॉयलेट हो चुका है तो यहां पे 394 का स्टॉप लॉस रख के 382 के टारगेट के लिए जिंदल स्टील एंड पावर को शॉर्ट किया जा सकता है. जेएसपीएल में एक और शॉर्ट का ट्रेड आप लेकर चले, यहाँ पर 382 की तैयारी कर रहा है. और पालविया साहब बधाई हो, आपने टाइमली कहा टाटा मोटर्स पे मंदी का ट्रेड ले लेना चाहिए. 330 आपका टारगेट था, 328 पर आ चुका है स्टॉक, 5% के नुकसान पर इस समय. तो सबसे पहले सीबीसी आवाज ने आपको खबर दी और खबर के बाद ट्रेड भी आपके सामने शॉर्ट साइड का 330 हासिल हुआ. अगला आप टारगेट बढ़ाना चाहेंगे क्या राजेश पालविया? जी बिल्कुल, 326 पे अब ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट स्टॉक. तो मेरे हिसाब से जिन्होंने भी शॉर्ट किया अब स्टॉप लॉस को नीचे खिसका ले, अब 330 के आसपास ही स्टॉप लॉस लिया जो हमारे टारगेट था उसको स्टॉप लॉस कर ले. मुझे लगता है कि अगर ये 330 के नीचे अब ये रहा तो स्टॉक में 322 नेक्स्ट लेवल है, वहां तक भी ये फिसल सकता है क्योंकि 330 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट था. और जिस इंटेंसिटी से सेलिंग प्रेशर यहाँ पे माउंट होते हुए दिख रहा है मुझे लगता है कि 322 की तरफ बिल्कुल जरूर फिसलते हुए दिखेगा. 3 गुना वॉल्यूम्स पर ये पोजीशंस काफी तेजी से अनवाइंड हुई हैं और बस देखिए करीब करीब 10 मिनटों का ही कमाल है कि स्टॉक कहां था और कहां पर आ चुका है, 6% नीचे इस समय ट्रेड में. अच्छा मयूरेश जोशी भी हमारे साथ हैं. मयूरेश इस समय आपने कुछ शॉर्टलिस्ट किया है क्या ट्रेड, क्योंकि पोजीशंस देखिए निफ्टी की हो या फिर मिड कैप इंडेक्स की तेजी से अनवाइंड हुई है. निफ्टी अब सिर्फ 17 पॉइंट ऊपर है और मिड कैप इंडेक्स जो लगभग 200 पॉइंट की तेजी दिखा रहा था कार्यक्रम की शुरुआत में सिर्फ 22 पॉइंट ऊपर रह गया है. आफ्टर अर्शिता जी, नहीं आई थिंक थोड़ी वॉलेटिलिटी तो बिल्कुल मार्केट में रहेगी आफ्टर टचिंग ऑल टाइम हाइज. और मुनाफा वसूली जैसे वीरू जी कह रहे थे अगर बाजार में हो रही है तो आई थिंक अच्छी बात है. आई थिंक सम प्रॉफिट्स इफ यू आर मेकिंग इट has to be taken off the table. तो आई थिंक हमारी स्विंग ट्रेडिंग टीम है जो आई थिंक पोजिशनल शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेड्स देते हैं वहां से एक आइडिया मैंने पिकअप की है और वो आइडिया ऑब्वियसली आई थिंक होटल इंडस्ट्री में है, होटल इंडस्ट्री से है जो काफी बढ़िया कर रही है. लेमन ट्री होटल्स हमारी स्विंग ट्रेडिंग टीम को लगता है और द नेक्स्ट फ्यू सेशंस अच्छा कर सकते हैं. ऑब्वियसली फंडामेंटली आई थिंक होटल इंडस्ट्री को रिकू करने के लिए काफी समय लगेगा, एटलीस्ट 4 to 6 quarters इन टर्म्स ऑफ गेटिंग देयर ऑक्यूपेंसीज बैक अबाउट 75% जो डेट लेवल्स है वो कम करने के लिए बिकॉज ऑफ फ्लोज कमिंग थ्रू जो इवेंट्स होटल्स में होती है उसको टाइम लगने वाला है. तो फंडामेंटली आई थिंक न्यूज विल टेक लॉन्गर फॉर बैलेंस शीट रिपेयर, बट सेंटिमेंटली और ट्रेडिंग के हिसाब से टीम को लगता है कि आई थिंक होटल स्टॉक्स और लेमन ट्री जो प्रीमियर और सेमी प्रीमियर और सब प्रीमियर कैटेगरी में है जो उनका स्प्रेड है
इबिट्टा मार्जिन 30-35% के आसपास मेंटेन करने की कोशिश है। जो इन्होंने कैपिटल रेज किया था 150 से 175 करोड़ का, उससे थोड़ी डेट इक्विटी लेवल्स 1.7 times आई और यही पे रहने की उम्मीद है और एक्सपेक्टेशन बांध के चल सकते हैं। जैसे आई थिंक ट्रैवल वापस आएगा बिकॉज लेमन ट्री केटर्स लार्जली मिड स्केल होटल्स के लिए और डोमेस्टिक ट्रैवल, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल अभी भी बैंड है ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और जैसे सेकंड हाफ में थिंग्स और भी सुधरेंगे वहां से आई थिंक होटल्स विच आर हैविंग अ डोमेस्टिक प्रेजेंस शुड बेनिफिट। तो फंडामेंटली आई थिंक इट विल टेक टाइम बट ट्रेडिंग और सेंटिमेंटल के हिसाब सेंटिमेंट्स के हिसाब से मुझे लगता है आई थिंक होटल्स कैन बी अ गुड प्ले। उसमें लेमन ट्री इज समथिंग दैट आवर टीम इज लुकिंग। जी हाँ, लेमन ट्री में एक मौका तेजी का और देखिए पीवीआर आईनॉक्स जो तेजी दिखा रहे हैं उसके लिए एक अपडेट आ गया है कि आंध्र प्रदेश में सिनेमा घर खोलने को लेकर मंजूरी मिल सकती है। ये इनफैक्ट कोजेंसिस के हवाले से अपडेट आ रही है और पीवीआर में आज सुबह में देख रही थी कि क्या तेजी देखने को मिली है, 59 रुपए की बढ़त, 1418 का ये स्टॉक हो चुका है, वायदे बाजार में जमकर खरीदारी हुई है, ओपन इंटरेस्ट इंडिकेट यही कर रहा है कि यहाँ पर पोजीशंस लोगों ने भर भर कर ली है, 12% का उछाल ओआई में आज देखने को मिला है। आंध्र प्रदेश में सिनेमा घर खोलने को लेकर मंजूरी मिल सकती है, ये फिलहाल कोजेंसिस के हवाले से खबर। पीवीआर आपकी स्क्रीन पर और ठीक इसके पीछे आईनॉक्स का स्टॉक भी देखिए 3.5% तक की बढ़त दिखा रहा है। तो वीरू, आप छुट्टी प्लान कर सके या ना, फिल्म देखने जा सकते हैं, दिल्ली का पता नहीं कब होगा लेकिन आंध्र प्रदेश के चक्कर काटने पड़ेंगे अगर आपको वाकई में थिएटर में जाकर फिल्म देखनी है। अभी देखिए नोएडा दिल्ली का तो हिसाब किताब बन नहीं रहा है, यहाँ पे तो फ्रेंकली स्पीकिंग है नहीं और छुट्टी मैंने प्लान कर ली है लेकिन हाँ पीवीआर में अच्छा एडिशन है, इंडिगो में लॉन्ग्स का एडिशन अच्छा है। वीरू, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आपको होटल रूम आराम से मिल गया क्या, क्योंकि आज तो देखिए दोपहर में आशीष के शो में केवाईसी में जब भसीन साहब जुड़े थे वो प्लान कर रहे थे मसूरी जाना, शिमला जाना, लेकिन होटल रूम्स नहीं मिल रहे हैं। मनाली की तो तस्वीर हमने देख ली, गोवा में भी आजकल रूम बुकिंग मिल नहीं रही है, तो आप ये मत कहना कि फिर से घर जाएंगे और वहीं पर ठिकाना आपका बसेगा। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा अपने, मैं होम टाउन नहीं जाऊंगा। मैंने भी अगर देखें हिल स्टेशन लिया है आज, लेकिन फॉर्चुनेटली मुझे मेरे एक कजन और किसी दोस्त का अगर आप देखें एक फ्लैट मिल गया है तो मैं वहीं रहूंगा। मैं होटल्स को प्रेफर नहीं कर रहा हूं, आई मीन नॉट एग्जैक्टली, तो मैं ज्यादा अच्छा समझ रहा था कि किसी के फ्लैट में रहूं, बहुत सारे फ्लैट्स अवेलेबल होते हैं तो उसी में रहूंगा। 4-5 दिन अगर आप देखें इस डेटा से दूर जाने का वक्त मिलेगा तो मैं शायद उसको ज्यादा सेफ समझता हूं अभी, मास गैदरिंग में नहीं अभी। चलिए, तो Airbnb बेसिकली जिंदाबाद और दोस्तों का ठिकाना है तो वहीं पर पहुंच जाएंगे। वीरू, पीवीआर का आप जिक्र कर रहे थे, ओपन इंटरेस्ट तो बहुत स्ट्रांग है आज वीरू। जी हाँ, आज तक 2-3 चीजें अगर आप देखें पीवीआर को देखिए, इसमें स्ट्रांग ओआई है। आप एक काम कीजिए डॉक्टर साहब, सारे के सारे चार्ट्स लेके आइए, इंडिगो को लेके आइए आप एक बार, और इंडिगो में कल से ही काफी स्ट्रांग ओआई जुड़ रहा है, इंडिगो को देखिए, हालांकि अभी थोड़ा सा बैकफुट पे आया है। और तीसरा अगर आप देखें इसी के अंतर्गत इंडियन होटल्स लेके आइए आप, 148, 149, 150 सुबह हाई लगा के आया। पालवे साहब, नो डाउट ये जो मूव हो रहा है, चाहे वो इंडिगो में हो, चाहे वो पीवीआर में हो, चाहे वो इंडियन होटल्स में हो, ये तीनों अगर आप देखें ओपनिंग अप थीम के अंतर्गत के सबसे बड़े बेनिफिट लेने वाले स्टॉक्स हैं और तीनों इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड कर रहे हैं। आप लॉन्ग साइड पे क्या ट्रेड करना चाहेंगे इसमें से? तो वीरेन जी देखिए, सेटअप के हिसाब से तो मैं पीवीआर के साथ जाना चाहूंगा, जिस तरीके से इसके चार्ट स्ट्रक्चर बने हैं यहाँ से हमें लगता है कि ये स्टॉक में यहाँ से और आप मूव एक्सटेंड हो सकता है। और सेकंड प्रेफरेंस मेरा रहेगा इंडियन होटल का, इंडियन होटल का चार्ट सेटअप भी काफी स्टेबल है और जिस तरीके से कंसोलिडेशन के बाद इसमें अप मूव बनना चालू हुए तो ये स्टॉक दिखाता है कि स्टॉक में यहाँ से 155-158 तक के अप मूव यहाँ से एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं। तो इंडियन होटल के ट्रेड इनिशिएट करने के लिए जो स्टॉप लॉस रखना है वो आएगा करीब 146 के आसपास। पीवीआर में यहाँ से लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है, 3 वीक की गिरावट के बाद स्टॉक में जो रिवर्सल देखने को मिला इस वीक में वो ये दिखाता है कि यहां से जो प्रीवियस स्विंग हाई थे करीब 1470 के आसपास के वहां तक ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। फ्यूचर में तो 1430 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे, इसमें स्टॉप लॉस रखें आप करीब 1415 के आसपास और इसमें टारगेट जो हम एक्सपेक्ट करें वो आना चाहिए करीब 1465-1470 तक के। पीवीआर और इंडियन होटल दोनों में मौका ट्रेड का इस समय आप कह सकते हैं वो रिवेंज शॉपिंग, रिवेंज ट्रैवलिंग, रिवेंज मूवी वॉचिंग सब लोग करते हुए दिखाई देंगे सेकंड वेव के कहर के बाद।
अच्छा, इस बीच एक बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर आ रही है। एनआईए के सोर्सेस कह रहे हैं कि 8 जुलाई को, दरअसल यानी कि परसों गुरुवार के दिन, जो कैबिनेट है उसमें बड़ा रीशफल होता हुआ दिखाई दे सकता है। कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं, कई नए चेहरे शामिल हो सकते हैं इस कैबिनेट में। अब क्या तैयारी है, लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, वैसे ये खबर काफी दिनों से चल रही थी, लेकिन मेरे ख्याल में अपडेट भी सामने आ रही है कि कैबिनेट रीशफल होगा और रीशफल के साथ साथ कैबिनेट को और विस्तार किया जाएगा। आप क्या सुन रहे हैं, क्या रूपरेखा हो सकती है इस नए कैबिनेट की? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली में सत्ता के गलियारों में हलचल काफी तेज हुई है, उससे साफ तौर से लगता है कि अब वो इंतजार खत्म होने वाला है। कैबिनेट विस्तार बहुत जल्द होगा। काफी हद तक संभावना है कि परसों यानी कि 8 तारीख को कैबिनेट का विस्तार आप होता हुआ देखें, मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला विस्तार होगा और इसमें जो लोग जानना चाहते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक में वो बता दूं, पहली बात तो लोग जानना चाहते हैं कि क्या वित्त मंत्री बदलेंगे, तो बता दूं कि वित्त मंत्री के पोर्टफोलियो में या वित्त मंत्रालय में किसी भी तरह के फेरबदल की संभावना काफी कम है, या फिर मैं कहूं कि मेरे सोर्स कह रहे हैं कि इसकी संभावना नहीं है। हालांकि ये कोई नहीं कह सकता पक्का पक्की, लेकिन वित्त मंत्रालय में फेरबदल शायद ना हो। ऊपर के जो 4 मंत्रालय जिसको नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक कहते हैं, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ये चारों जो रायसीना हिल्स पे जो है, उन चारों में बदलाव की संभावना काफी है। अब आप पूछेंगे बदलाव क्या होगा, तो सबसे ज्यादा निगाहें टिकी हुई है वो है कि क्या नए चेहरे शामिल होंगे। तो 4 से 5 कम से कम नए चेहरे शामिल होने की संभावना है। उसमें एक है, आपको सबसे ज्यादा अटकले हैं, वो है आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया का, जो कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उनके आने की संभावना है। सुशील मोदी जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, अब यहां पर राज्यसभा के सदस्य बनाए गए हैं, तो उनके शामिल होने की संभावना है। असम के पूर्व मुख्यमंत्री के शामिल होने की संभावना है। और जनता दल यूनाइटेड, जो अब तक कैबिनेट का हिस्सा नहीं था लेकिन सरकार को समर्थन दे रही थी पार्टी, उसके किसी एक सांसद को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। तो ये तो रही बात कुछ नए चेहरे शामिल करने के। तीसरा जो पहलू है कैबिनेट विस्तार का, वो ये है कि मौजूदा मंत्री के कार्यकाल में बदलाव, पोर्टफोलियो बदलाव आप देख सकते हैं। जैसा कि हमने देखा, थावरचंद गहलोत जो कि सामाजिक कार्य मंत्री थे, उनको राज्यपाल बना दिया गया है, तो उनकी जगह एक नए मंत्री तो आएंगे, लेकिन कई सारे मंत्री ऐसे हैं जिनके पास 3 से 4 पोर्टफोलियो है। मिसाल के तौर पर नितिन गडकरी को देखिए, तो वहां पर उनके पास 3 से 4 पोर्टफोलियो, सड़क परिवहन मंत्रालय है, एमएसएमई मंत्रालय है, तो उनके पोर्टफोलियो का कोई एक हिस्सा बहुत तक संभावना है एमएसएमई मंत्रालय शायद किसी दूसरे मंत्री को दिया जा सके। इसी तरीके से आप पीयूष गोयल जी को देखिए, तो वहां पे उनके पास रेल मंत्रालय है, कंज्यूमर अफेयर्स फूड मंत्रालय है, उनके पास उद्योग मंत्रालय है, तो इन तीनों में से एक मंत्रालय शायद रहे, बाकी 2 मंत्रालय उनसे किसी दूसरे मंत्री को दिया जा सके। तो इस तरह से उन मंत्रियों के पास, जैसे धर्मेंद्र प्रधान की बात करूं तो उनके पास स्टील मंत्रालय भी है और ऊर्जा पेट्रोलियम मंत्रालय भी है। तो जिन जिन मंत्रियों के पास ज्यादा पोर्टफोलियो है, उनसे पोर्टफोलियो लेकर के दूसरे को दिया जाएगा, कुछ नए चेहरे शामिल किए जाएंगे और टॉप 4 के जो मंत्रालय हैं उनमें फेरबदल की संभावना थोड़ी सी कम है। तो ये फिलहाल देखिए कैबिनेट में बड़े बदलाव होने वाले हैं 8 तारीख, बाय अपॉइंटमेंट याद रखिएगा। लक्ष्मण रॉय कह रहे हैं कि कैबिनेट का विस्तार होगा, खासतौर से वो मंत्री जिनके पास 1 से ज्यादा मंत्रालय हैं उनसे कुछ कार्यभार लिया जाएगा और कई नए चेहरे, लगभग 4 से 5 नए चेहरे आएंगे जिनको कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। तो ये फिलहाल स्थिति या तैयारी सरकार कर रही है कैबिनेट के रीशफल को लेकर। आगे कुछ और डिटेल्स आएंगे तो वो भी अपडेट हम आपको देंगे, लेकिन लक्ष्मण ने कहा उनके सूत्र तो यही कह रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में कोई बदलाव की अटकलें फिलहाल नहीं है। नजर रखते हैं इस बड़ी खबर पर। इस बीच निफ्टी आ चुका है सिर्फ और नीचे, सिर्फ 5 पॉइंट की तेजी है। मिड कैप इंडेक्स पूरी तरह से नेगेटिव टेरिटरी में आ गया, अब 9 पॉइंट की गिरावट पर ट्रेड कर रहा है और निफ्टी बैंक में भी करीब करीब आप कह सकते हैं 45 अंकों तक की मुनाफा वसूली डे हाई से होती हुई दिखाई जरूर दे रही है। इस बीच एक बार फिर टाटा मोटर्स आपके सामने लेकर आते हैं, क्योंकि राजेश पालविया ने आपको कहा था आप अपने स्टॉप लॉस को करिए ट्रेल, 330 जो पहला टारगेट था वो अचीव हुआ, अब 330 स्टॉप लॉस बना, 322 इनका दूसरा टारगेट था और उसी टारगेट पर इस समय खड़ा है काउंटर, 321 के लेवल्स इसने छुए हैं। तो आज का बड़ा ट्रेड आप कह सकते हैं कमाई के अड्डे में हमने आपके लिए किया स्पॉट। चलिए रचना वैद्य को भी जोड़ लेते हैं, उनसे पूछते हैं वो इस समय क्या पढ़ रही हैं। हैवी पोजीशंस अनवाइंड हुई है रचना जी, बताइए अब तेजी कर रही हैं मंदी कर रही हैं, क्या ट्रेड लेंगी?
जी गुड आफ्टरनून हर्षदा, लॉन्ग टाइम गुड टू स्पीक टू यू. एंड मेरा इस मोमेंट पे ये मानना है कि क्योंकि करंट स्विंग डाउनसाइड पे है तो हम डाउनसाइड पे कॉल देखेंगे. एंड मेरी नजर टाटा केमिकल्स पे है. टाटा केमिकल्स जब तक अब ऊपर वाली साइड पे 775 को निकाल नहीं लेगा तब तक वो फर्दर नीचे जाएगा. 754 और 53 के बीच में कहीं पे मेरा फर्स्ट टारगेट है. सेकंड टारगेट अगर वो भी निकल गया तो फिर 740 की तरफ वो जा सकता है. 775 के ऊपर ऐसे लगाएंगे फ्यूचर्स के हिसाब से. आपकी राय है? ओके, एक बार प्लीज डे ट्रेडर्स के लिए आप थोड़ा मोटर्स लेके आइए. फिर अभी तक बात ये थी कि डे ट्रेडर्स की पोजीशंस जो है वो लिक्विडेट हो रही थी, स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते, लेकिन अब कुछ ये मैटर सीरियस हो गया है क्योंकि स्टॉक ने आज सडनली अगर आप देखें इस दौर की हाई से 10 डीमा तोड़ा, 20 डीमा तोड़ा, 50 डीमा तोड़ा. और पालवे साहब, अब मैं एक चीज ये कह सकता हूँ कि अब 325 के नीचे, 320 के नीचे ये अपने बेस फेज में जा रहा है जो कि इसने क्रिएट किया था मार्च से लेकर अगर आप देखें करीब करीब 19 मई के बीच में. आपका नजरिया क्या है? थोड़े पोजिशनल ट्रेड्स पर आपका नजरिया क्या है जो कि लॉन्ग थे? तो बिल्कुल वीरेन जी, जिस तरीके से सेलिंग प्रेशर इसमें माउंट हो रहा है ये कहीं ना कहीं एक सीरियस सेलिंग इसमें देखने को मिल रही है. ये इंट्राडे ट्रेड नहीं है, ये इसमें मुझे लगता है कि एक्सटेंड होते हुए दिखेगा यहाँ से डाउन मूव. और जिस तरीके से इसने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ये आज लग रहा है कि जिस तरीके से अभी सेलिंग प्रेशर है तो उसके नीचे ही आज ये क्लोज भी होता हुआ दिख सकता है. तो अगर ये आज 325 330 के नीचे ही बंद होता है तो स्टॉक में मुझे लगता है जो नेक्स्ट लेवल जो इसका आएगा इंपॉर्टेंट वो आएगा करीब 305 के आसपास. तो यहां से मुझे लगता है कि अभी और 10 से 15 रुपए का यहां से डाउन मूव यहां से एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है स्टॉक में. तो अभी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा वेट करें. जिन्हें भी बाय करना है थोड़ा सा वेट करें. ये सेलिंग प्रेशर जिस तरीके से माउंट होते हुए दिख रहा है मुझे लगता है 305 तक के भी टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं. जिन्होंने शॉर्ट पोजिशन ऑलरेडी इनिशिएट किया हुआ है वो अपनी पोजिशन को कैरी कर सकते हैं अभी ड्यूरिंग द डे. तो स्टॉप लॉस को अब नीचे खिसकाते जाए. अब स्टॉप 317 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है अब स्टॉप लॉस को ले आ जाना चाहिए 323 के आसपास और इस डाउन मूव को एक्सटेंड करते जाना चाहिए 310 और 305 की तरफ. ये स्टॉक आता है तो वहां प्रॉफिट बुक कर ले. 310 की तैयारी टाटा मोटर्स करता हुआ ये एक स्टॉक का आपके सामने. टाटा मोटर्स का DVR भी यहाँ पर पिट रहा है, उस पर भी जाहिर तौर पर प्रेशर आया है. और जैसे वीरू ने एकदम सही टाइम पर आपको बताया कि टाटा मोटर्स अकेला नहीं है, बाकी के जो ऑटो कंपनियां उनमें भी पोजीशंस अनवाइंड हो रही हैं. M&M 1% नीचे, अशोक लेलैंड में प्रेशर, मदिसन सुमी देखिए वहां पर 2 से 2.5% तक की गिरावट बनती दिखाई दी. तो ये इनफैक्ट एक सेल साइड का ट्रेड बन चुका है आपके लिए टाटा मोटर्स और बाकी ऑटो कंपनियां. संकल्प, आप कोई ट्रेड पकड़ रहे हैं क्या? अच्छा, संकल्प हमारे साथ नहीं है, उनको आगे जोड़ने की कोशिश करेंगे. गाबा साहब, ऑटो कंपनियों में कोई मंदी का ट्रेड आप पकड़ रहे हैं टाटा मोटर्स के अलावा? मदिसन सुमी देखिए, अशोक लेलैंड देखिए, सब कमजोर होने लगे. Well, मदिसन सुमी यस, हो सकता है ट्रेड एक एग्रेसिव ट्रेड रहेगा. स्टॉप होगा करीब 240 का, पॉसिबल है कि 220 देखने को मिले या 225, ये एक जोन है. ये एक रिएक्टिव ट्रेड रहेगा मदिसन सुमी. हाँ, अशोक लेलैंड की बात देख लेता हूं. नॉर्मली मुझे अशोक लेलैंड बहुत अच्छा लगता है. पॉसिबल है कि इसमें थोड़ी सेलिंग प्रेशर देखने को मिले, शायद एक लेवल 118 का देखने को मिल सकता है अशोक लेलैंड में. स्टॉप लगाना चाहिए 124, यहां पर एक रियल पॉसिबिलिटी है अशोक लेलैंड. ओके, तो अशोक लेलैंड में भी इस समय शॉर्ट का ट्रेड लिया जा सकता है. जो टाटा मोटर्स में पोजीशंस अनवाइंड हुई हैं उसका एक असर बाकी स्टॉक्स में भी देखा जा रहा है वीरू. जी हाँ, डायरेक्टर साहब एक काम कीजिए, टाटा मोटर्स का कैंडलस्टिक चार्ट लेके आइए और प्लीज उसमें ड्रॉ कीजिएगा आप 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. याद रखिए टाटा मोटर्स अपने बेयर फेस से 30 अक्टूबर 2020 को आया था जब ये 140 से अगर आप देखें चलना शुरू किया था. 140 पे CLSA ने इसका टारगेट दिया था 190 का, फिर 210 पे टारगेट दिया था 290 का. प्लीज 50 डेमा को ड्रॉ कीजिएगा. इसने अमूमन 50 डेमा के नीचे करीब 15 रुपए के फिल्टर पर, यानी अगर आप 50 डेमा से अगर आप देखें 15 रुपए नीचे ये अपना एक पैनिक लो क्रिएट कर लेता है. लेकिन अब ये मैटर वहां से भी एक्सटेंड हो रहा है और यकीन मानिए अब जो लेवल जो दिया था राजेश पालवे जी ने कि 310 पे अपने अगर आप शॉर्ट है तो बुक कर लीजिए, वो क्या है, वो इसका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है. और उस एवरेज के पास ये स्टॉक आएगा, आप समझ लीजिए कि लगभग सितंबर 20, 2020 के बाद पहली बार. इट्स ह्यूज, अगर आप देखें ह्यूज अनवाइंडिंग, ह्यूज शॉर्टिंग इस स्टॉक पे.
और कुछ स्टॉक्स जो कि कमजोर हैं, इसमें अगर आप देखें डॉक्टर रेड्डीज है, एक्सेल टेक्नोलॉजीज बैकफुट पे आता है। आज आईटी स्टॉक्स में आप देखें बैकफुट पे आने का रुझान सुबह से ही शुरू हो गया था। आपकी राय क्या है असित, आईटी स्टॉक्स में सडन अगर आप देखें ये मोमेंटम लॉस्ट, एंड ये जो मोमेंटम लॉस्ट हुआ है एक ऐसे इंडेक्स पे जो कि अपना ऑल टाइम हाई छू के आया, और उन स्टॉक्स पे जो कि आज से 5 रोज बाद अपनी अर्निंग्स देंगे, थोड़ा सा अगर आप देखें आपको हतोत्साहित बैकफुट पे लेके आता है यू टेक ऑन आईटी स्टॉक्स एंड स्पेशली ऑन एक्सेल टेक्नोलॉजीज असित? I'm still kind of not positive in the IT stock. थोड़ा profit booking देखने को मिला है most of the stock, Infosys, TCS में, and आज सारे के सारे stocks low है, but with the crude going up, you know, dollar, rupee going down, मुझे लगता है कि IT have the chance to kind of not bounce back. And TCS का result है, उससे पहले थोड़ा नरम है सारे पूरा sector, but मुझे लगता है कि positionally it will be all fine. Infosys, TCS, Excel Tech में short build up देखने को मिल रहा है, that is definitely there. OI में, but ज़्यादा kind of a percentage नहीं है. I'll avoid IT stocks, but I think, you know, I will be quite biased towards bank Nifty. अगर थोड़ा और dip मिलता है तो that will be a good zone to re-enter again. So I'll pick the bank Nifty, ICICI Bank, State Bank, HDFC Bank. These are the things I'll be picking up. ध्यान दीजिए, स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक इस बीच बाय द वे 2.5% ऊपर आ चुका है, और आईसीआईसीआई बैंक भी करीब 0.5% से ज्यादा की मजबूती दिखा रहा है। अच्छा, एक और पॉकेट है जहां पर तेजी देखने को मिली, हम ये टाटा मोटर्स और बाकी अनवाइंडिंग के चक्कर में इतने फंस गए कि हम भूल गए कि आज सीमेंट स्टॉक्स में जमकर तेजी होती दिखाई दी है। बड़ा वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला था, चाहे वो दिग्गज हो अल्ट्राटेक जैसे काउंटर्स या फिर मिड कैप स्टॉक्स जहां पे जेके लक्ष्मी, इंडिया सीमेंट, सब में एक तरफा तेजी देखी गई और अच्छे वॉल्यूम्स पर दरअसल ये खरीदारी हुई है। अब यहाँ पर क्या पक रहा है, दीपाली राणा के पास कुछ डेटा है और वो हमें बताएंगी कि एग्जैक्टली क्यों ये पोजीशंस बिल्डअप होती हुई दिखाई दे रही हैं। दीपाली, एक अच्छा मोमेंटम आज हमने सीमेंट स्टॉक्स में बनते हुए देखा, और इसके पीछे दो इम्पोर्टेंट रीजंस है। एक तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज तेजी से पिकअप कर रही है, और दूसरी तरफ इस बार के जो नंबर्स रहेंगे क्वार्टर वन के वो स्ट्रांग रह सकते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आज ऐसी सिक्योरिटीज की ओर से आई है जिस पर उन्होंने चैनल चेक किया है, और उनके रिपोर्ट में मेंशन किया गया है हालांकि इस बार के नंबर्स सिक्वेंशियल या फिर बाय बाय बेसिस पर कंपेरेबल नहीं होंगे, मीनिंगफुल नहीं होंगे कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, लेकिन उसके बावजूद भी जो वॉल्यूम्स है इस क्वार्टर में वो बेहतर रह सकते हैं। सालाना आधार पर तो 45% की ग्रोथ रह सकती है, सिक्वेंशियल बेसिस पे थोड़ा डिप जरूर रहेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अप्रैल और मई के दौरान जो प्राइस हाई कंपनीज ने किया था वो सस्टेन हुआ है, और इसी वजह से इनके जो रियलाइजेशंस हैं वो बेहतर होते हुए दिखेंगे। एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि सालाना आधार पर जो एवरेज रियलाइजेशंस हैं वो सिक्वेंशियल बेसिस पे 5% ग्रो हो सकते हैं, वाई वाई बेसिस पे भी 2.5% की ग्रोथ दिख सकती है। इसके अलावा जो पैन इंडिया यूटिलाइजेशन है कोविड रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद भी इस क्वार्टर में 70% के आसपास रहा है, जो कि काफी एनकरेजिंग फिगर है। हालांकि इनकी कॉस्ट बढ़ी है क्योंकि डीजल प्राइसेस बढ़े हैं, इंपोर्टेड कोल प्राइसेस बढ़े हैं, पेटकोक प्राइसेस में भी इजाफा देखने को मिला है सिक्वेंशियल बेसिस पे, लेकिन उसके बावजूद भी बेटर कॉस्ट एफिशिएंसीज की वजह से जो एबिटा रहेगा इन कंपनीज का ऑन एवरेज वो 10% के आसपास की ग्रोथ दिखा सकता है। तो अच्छे नंबर्स की होप है, प्राइस हाइक सस्टेन कर रहा है, फर्दर प्राइस हाइक की प्रोबेबिलिटी बन रही है जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पिकअप कर रही है, और इन्हीं डेवलपमेंट्स के बीच में इन स्टॉक्स में ये तेजी बनती हुई दिखी है, तो अच्छे अर्निंग्स और आगे का आउटलुक और बेहतर होता हुआ दिख रहा है, यही तो इंपॉर्टेंट रीजंस है। जी, ये कुछ अगर आप देखें इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स, और एक और सीधी सीधी बात जो ये भी है कि आप रियल स्टेट सेक्टर को देखिए, आप गोदरेज प्रॉपर्टीज को देखिए, आप प्रोबैंका को देखिए, आप डीएलएफ को देखिए, क्या मोमेंटम में स्टॉक है, और जो आरबीआई की रिपोर्ट में आप देखें जिस प्रकार से इन्वेंट्री जो है अनसोल्ड इन्वेंट्रीज 2 साल के लोअर लेवल्स पे हैं, वो एक अमूमन अगर आप देखें सीमेंट के लिए अच्छी परिस्थिति बनती है। दैट्स गुड। अगर आप देखें सारे स्टॉक्स आज अंबुजा सीमेंट्स पे, अल्ट्राटेक सीमेंट पे सुबह सुबह हमने ऑप्शन ट्रेड्स किए थे, शानदार रहे। टाटा मोटर्स एक लोअर फ्रीज लगाकर 10% का अब थोड़ा सा पुलबैक देता हुआ, लेट्स होप फॉर द बेस्ट और कि कुछ स्टेबल हो ये स्टॉक। आपकी स्क्रीन पे 317.15 पे टाटा मोटर्स ट्रेड करता हूं, लेकिन इसने प्रॉफिट बुकिंग हल्की सी बाजार में ट्रिगर कर दी है। एक छोटा सा ब्रेक लेकर कमाई का अड्डा में तुरंत हासिल होता है। ब्रेक के बाद कमाई का अड्डा में आप सभी का स्वागत है, और इंडेक्स थोड़ा संभलने की कोशिश करता हुआ, देखिए इंडेक्स को बहुत खतरा नहीं था,
इंडेक्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड में था, और जब आपके फाइनेंशियल स्टॉक्स और बैंक स्टॉक्स अच्छा करें तो इंडेक्स को एक बहुत बड़ा कुशन होता है। बस ये है कि टाटा मोटर्स ने देखें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग बाजार में झोंक दी 10% का लोअर फ्रीज लगाने के बाद, एक 10 मिनट्स का ये स्टॉक अगर आप देखें 318 के स्तर पर ट्रेड करता हुआ। अब कुछ मीनिंगफुल लॉन्ग्स लेते हैं। अभी आपने ब्रेक से पहले अगर आप देखें, दीपाली को सुना भी था, सीमेंट ऑल इन अगर आप देखें, इनके लिए अगर आप देखें पॉजिटिव है और फर्दर हाइक की, प्राइस हाइक की पॉसिबिलिटीज है। मयूरेश जी अभी बताइए, मिड कैप में बेस्ट आपको, देखिए लार्ज कैप में चुनना बहुत मुश्किल नहीं है, अल्ट्राटेक एट ऑल टाइम, अंबुजा एट ऑल टाइम, ACC एट ऑल टाइम हाई, मिड कैप में जहां पर अभी एक पोटेंशियल हो पैसा कमाने का, जहां पर अभी तक इन सारे पॉजिटिव फैक्टर्स का आपने बहुत बड़ा इंपैक्ट ना देखा हो, एक डिफरेंशियल हो, आप वो कोई स्टॉक है जो चेज करना चाहेंगे? आई थिंक सारे स्टॉक्स ने आई थिंक जेस्टेट तो कर लिया, और दीपाली जी ने बहुत खूबी से कहा था सारे पॉजिटिव जो सेक्टर के लिए काम में आएंगे। ऑब्वियसली जो क्वार्टर वन होता है ये थोड़े लॉकडाउन के प्रेशर्स के वजह से इनकी जो डिस्पैचेस है इसमें थोड़ी आई थिंक कमी आ सकती है, मानसून में आई थिंक थोड़ी एग्जीक्यूशन में आई थिंक दिक्कत आती है, बट सेकंड हाफ में रिकवरी जबरदस्त रहती है। तो एज ए सेक्टर आई थिंक रिमेन एक्सट्रीमली बुलिश, क्योंकि कैपेसिटीज बहुत ज्यादा एड नहीं हो रही और डिमांड जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। विद इन द मिड कैप बास्केट दो स्टॉक्स वीरू जी, एक डालमिया भारत, हमें लगता है आई थिंक जितने ओवरहैंग्स थे डालमिया भारत में, पहली बात आई थिंक जो म्यूचुअल फंड्स इनको पैसा आ रहा था वो वापस आ गया, दूसरा आई थिंक इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट्स करके रखी थी स्पेसिफिकली इन कंपनीज लाइक IEX, वहां से इन्होंने पार्ट स्टेक सेल किया है और बाकी का भी आई थिंक थोड़े ही महीनों में क्वार्टर्स में जो व्हाटएवर आई थिंक वापस आएगा। इसके वजह से आई थिंक जो कोर फोकस है इनका सीमेंट के बिजनेस में दैट शुड वेरी वेल कंटिन्यू। एक क्लिंकर कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, वर्टिकल इंटीग्रेशन चल रहा है प्लांट का, और इससे इबिटा मार्जिन काफी अच्छी तरह से प्रोटेक्ट होंगी, जो इनकी आई थिंक एक सप्लाई चेन है इन टर्म्स ऑफ माइंस और फैक्ट्रीज से लेके मार्केट प्लेस, आई थिंक जो एक लीड डिस्टेंस का हम टाइम कहते हैं या किलोमीटर्स कहते हैं ये भी मैनेजेबल है। तो आई थिंक डालमिया भारत इज समथिंग दैट विल कंटिन्यू टू लाइक। दूसरा JK सीमेंट, आई थिंक अगर इसमें थोड़ी प्राइस स्ट्रेंथ और आ जाती है तो मुझे लगता है आई थिंक जो व्हाइट सीमेंट ग्रे सीमेंट का मिक्स है जो इसका रिपोर्टेड एबिटा पर टन ये रिपोर्ट करते हैं, और हालांकि इनपुट कॉस्ट सारे सेक्टर के लिए आई थिंक ऊपरी स्तर पर पहुंच गई है, थोड़े पास थ्रू बिल्कुल मुमकिन है क्योंकि डिमांड इज प्रॉब्ली रिमेनिंग एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। तो मैं लगता है आई थिंक इवन फ्रॉम द करंट जंक्चर द सेक्टर लुक्स गुड, डालमिया भारत और JK सीमेंट थोड़े प्राइस इंक्रीजेस पे मुझे लगता है आई थिंक बहुत जबरदस्त कर सकते हैं। भारत, JK सीमेंट, ये सीमेंट कंपनियों में तेजी देखने को मिली है आज और प्राइसेस बढ़ेंगी और उसका फायदा आज स्टॉक में देखा जा रहा है। अच्छा, सीमेंट से जोड़कर इंफ्रास्ट्रक्चर काउंटर्स भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एक स्टॉक जो मैं कहती हूँ ये मेरे ख्याल में तो इंट्राडे ट्रेड ही रहेगा, पोजिशनल ट्रेड लाइक शेयर है नहीं, जयकुमार इंफ्रा, लेकिन वॉल्यूम पिकअप काफी जोरदार है आज, करीब करीब 7 लाख शेयरों का ट्रेड हो चुका, 6.5 गुना वॉल्यूम्स पर कारोबार, ऐसी कई छोटी कंपनियां हैं जिनमें हमने देखा है इस बाजार की तेजी में नई जान नई ऊर्जा देखने को मिली, और 4% ऊपर है ये काउंटर। आज दोपहर में मैं JMC इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर भी नजर डाल रही थी, वहां पर भी खरीदारी थी, हालांकि वो स्टॉक जो 4% ऊपर था JMC इंफ्रा का, इस समय सिर्फ 2.5% ऊपर है क्योंकि पोजीशंस अनवाइंड हुई है। यहां पर एक्शन आ रहा है जयकुमार इंफ्रा, रचना जी सिर्फ एक डे ट्रेड के लिहाज से बताइए ये एक्शन और पकड़ने लायक स्टॉक दिख रहा है क्या आपको, जयकुमार JMC पैसा लगाना चाहिए या छोड़ दें? JMC की अगर बात करें तो वो बात सही आपकी कि ऊपर से थोड़ा वो पुल बैक दिया है, लेकिन कल के दिन में अगर JMC की बात करें, अगर वो 121 दोबारा निकालेगा तो ऊपर वाली साइड पे कंटिन्यूएशन देने के चांसेस रहेंगे। 121 जब तक निकाले नहीं तब तक एंटर नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर एंटर करके फिर नीचे वाली साइड पे 2.5 रुपए जितना अगर SL लगा सकते हैं तो ऊपर वाली साइड पे 126.5 एंड 130 ये दो टारगेट लगा सकते हैं JMC में। पर इंफ्रा भी देखिए क्योंकि हमारे मेंशन करने के बाद 5% ऊपर, और जयकुमार इंफ्रा से काफी उम्मीदें बंधी हुई हैं क्योंकि मुंबई मेट्रो में जो बड़ा काम हो रहा है इनके हाथ भी एक बड़ा खेप है जो ऑर्डर्स फुलफिल करने हैं, इनको काम काफी करना है, तो यहां पर अपॉर्चुनिटी है क्या ट्रेडर्स के लिए? जयकुमार इंफ्रा की अगर बात करें तो उसमें भी पॉसिबिलिटी है फॉलो थ्रू की, और उसमें अगर 195 सस्टेन करेगा तो ऊपर वाली साइड पे इट कैन गो टुवर्ड्स 208, 215 एंड देन 220। 208-215 की तैयारी जयकुमार इंफ्रा कर रहा है, JMC में 221 के ऊपर ही 221 नहीं 321 के ऊपर ही एक ट्रेड बनता हुआ दिखाई देगा, वो आप जहन में रखिए। इस बीच जून में कुल GST वसूली के आंकड़े आ गए हैं, 92,849 करोड़ GST कलेक्शंस के तौर पर
क्लॉक इन होते हुए दिखाई दिए हैं। इस बीच हमारे साथ अब जुड़ गए हैं श्रीकांत चौहान भी। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून, बताइए, मार्केट में एक्शन तो भरपूर आज, पहले इस समय का आपने क्या नया ट्रेड जोड़ा है यह हमारे साथ शेयर कीजिए। बिल्कुल, वैसे देखिए मार्केट में एक्शन बहुत है और आज जो मार्केट में हमने जो तेजी देखी है उसके पीछे नो डाउट की साइक्लिकल्स में अच्छी तेजी थी, लेकिन साथ ही साथ आपने देखा होगा कि बैंक अच्छी तेजी बनाई और इसी वजह से मार्केट आता है कि अगर आज के दिन में या तो आने वाले दिन अगर कोई अगर ट्रेड लेना है तो वो मुझे लगता है कि फाइनेंस सेक्टर से लेना जरूरी है, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स है, ओपन इंटरेस्ट भी हमें देखने को मिल रहा है। हमें लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा एक अच्छा स्टॉक है कि जो करंट लेवल से बाय किया जा सकता है। और सबसे बड़ा रीजन ये है हर्षदा कि स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ये अपने स्टॉक लॉस से काफी दूर चल चुके हैं। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा को बाय करते हो तो मुझे लगता है कि 84 काफी नियर बाय का स्टॉक लॉस है, तो 84 के स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय करें, 90 और 93 ये दो टारगेट्स के लिए इसे करंट लेवल से बाय किया जा सकता है। और निफ्टी में मुझे लगता है कि अगर 810 815 के रेंज में अगर निफ्टी अगर फिसलता है तो वहां पे बिल्कुल इसे बाय करके चलना चाहिए। चलिए एक काम करते हैं, आपका ये अप्रोच था स्टॉक स्पेसिफिक, इंडेक्स संभल रहा है, इंडेक्स को संभलना था, इंडेक्स में दुविधा नहीं थी याद रखिएगा। कल भी FIs 15800 पे बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटर थे, सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस यही था, इंडेक्स में कोई ट्रबल नहीं थी, इंडेक्स संभल गया है 15855 के स्तर पे। कुछ और ऑप्शन ट्रेड्स को निकालेंगे लेकिन उससे पहले मैं यतिन से बात करना चाहूंगा एक बार, थोड़ा डीलर्स की फीलिंग क्या है, क्लोज टू ऑल टाइम हाई उनकी अप्रोच क्या है, सेक्टर्स वो कहाँ फोकस कर रहे हैं, इसका इजाजत लेते हैं यतिन के साथ। यतिन, डीलिंग रूम में इस वक्त हो क्या रहा है, डीलर्स कहाँ फोकस कर रहे हैं, और यतिन दो दिन में बैंक्स, NBFCs, फाइनेंशियल स्टॉक्स ने अगर आप देखें काफी स्ट्रॉन्ग मूव दिया, यही अमूमन न्यू हाई क्रिएट करवाते हैं, यही प्रीवियस हाईज क्रॉस कराते हैं, यहाँ पर उनकी अप्रोच क्या है? देखिए येस्टरडे हमने बात की थी बैंक्स पे और SBI पे भी हमने बात की थी कि यहाँ डीलिंग रूम एक लॉन्ग कॉल ले रहे हैं और यहाँ से कहीं ना कहीं रिलायंस और बैंकिंग ये दोनों जो महारथी है वो शायद यहाँ से मार्केट को एक डायरेक्शन देंगे तेजी की तरफ, तो क्लियरली वो स्टोरी वेल प्ले आउट हो रही है। और कहीं ना कहीं आज टाटा मोटर्स में जो गिरावट हमने 10% की देखी इंट्राडे में, लगभग 13-14% की, उसके बाद कहीं ना कहीं ऑटोस के लिए मूड माहौल खराब हुआ है, क्योंकि जिस कॉस्ट कर्व पे काफी सारी ऑटो कंपनियां बैठी हुई हैं, स्टील और एल्यूमिनियम के दाम बढ़े हुए हैं, सप्लाई चेन टूटी हुई है, तो कहीं ना कहीं वहां एक कॉशन जो बात है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रही है शेयर्स के प्राइसेस में। आप देखोगे तो ओवरऑल बेसिस पे अच्छे वॉल्यूम्स के बावजूद हमने अशोक लेलैंड के स्टॉक में दबाव देखा, इसके बाद मारुति में भी आज कहीं ना कहीं दबाव है, तो ओवरऑल बेसिस पे ऑटो पे एक कॉशन का व्यू। लेकिन दो स्टॉक्स जो डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड कर रहे हैं उनमें सबसे पहले है SBI लाइफ, यहाँ एक BTST की सलाह वो अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं, 1040 से लेके 1050 के पोजिशनल टारगेट भी यहाँ देखने को मिल सकते हैं। और उनका मानना ये है कि इंश्योरेंस पैक में कहीं ना कहीं फंड बाइंग है और SBI लाइफ यहाँ उनका एक टॉप पिक है। इसके अलावा विप्रो पे नजरें होनी चाहिए, आज लार्ज कैप IT स्टॉक्स में काफी सेलिंग का माहौल है, डीलिंग रूम्स को रखता है कि कहीं ना कहीं फ्रंटलाइन IT स्टॉक्स में आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग दिखाई देगी। और जहां तक कि विप्रो का सवाल है, यहाँ डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को शॉर्ट सेल यानी मंदी की सलाह दे रहे हैं वायदे बाजार में 525 या 530 के टारगेट के। ओके यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। विप्रो पे सेल, मैं इसी तथ्य पे बात भी कर रहा था कि आज IT स्टॉक्स में थोड़ी अनवाइंडिंग है, शॉर्टिंग हो रही है, और SBI लाइफ पर, SBI की सबसे सभी ग्रुप कंपनी सब्सिडी कंपनी पर नजर रखिए, वहाँ मोमेंटम है। आपने वैल्यूएशंस को लेकर एक स्टेटमेंट बड़ा अच्छा सुना भी होगा वीकेंड पे इस समूह के स्टॉक्स पे, और कल यतिन ने कहा था कि थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टॉक्स पे नजर रखिएगा, SBI पे नजर रखिएगा, SBI ने वहां से लेकर आज तक के प्राइस में काफी अच्छा स्ट्रेच दिया भी है। आज यतिन के पास मिड कैप में कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, सस्ते में छोड़ते हैं। यतिन बहुत बहुत शुक्रिया। SBI लाइफ आपकी स्क्रीन पे 1025 पे, कुछ ट्रेडिंग करते हैं थोड़ी सी। पालवे साहब, जरा एक स्टॉक देखिए जो कि अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री में अब जाने की तैयारी करता हुआ विद ह्यूज कॉन्फिडेंस, लेट्स ब्रिंग गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, आपकी स्क्रीन पर डे हाई पर 970, और ये जो गैप अप क्रिएट हुआ था इसने एक सेकेंड सब्सिक्वेंट गैप अप क्रिएट किया है 12 मई के बाद यानी अर्निंग्स के बाद, ये अपने आप में एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही बुलिश पैटर्न होती है। एक बार 980 की कॉल लेके आइए इसकी, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस ट्रेड को, 980 की कॉल ट्रेड करिए 26 पे।
तो बिल्कुल काफी एग्रेसिव मुझे लगता है यहाँ पे जो बाइंग हुई है आज के सेशन में भी देखे तो 13% के आसपास का ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिख रहा है स्टॉक में। और ये वोलेटिलिटी भी जो आई थी मार्केट में, कहीं भी इस पे कोई रत्ती भर भी सेलिंग प्रेशर देखने को नहीं मिला, और जिस तरीके से स्टॉक में कंसिस्टेंट बाइंग देखने को मिल रही पिछले दो सेशन से, ये दिखाता है कि स्टॉक बहुत जल्द 4 डिजिट में बढ़ता हुआ दिखेगा, 1000 के ऊपर मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत जल्द ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो बिल्कुल इसकी कॉल ऑप्शन बाय की जा सकती है 980 की। इसमें हमें लगता है कि जो टारगेट आना चाहिए, स्टॉक के टारगेट तो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 110 से 1020 तक के, तो ये कॉल ऑप्शन के टारगेट हमें लगता है 980 की कॉल ऑप्शन के टारगेट आना चाहिए, 36 रुपए से 42 रुपए तक के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। 1 से 2 दिन का समय दे, करंट लेवल से इसमें स्टॉप लॉस अब जो रखना है वो करीब रखेंगे 23 रुपए के आसपास, और 42 रुपीज तक के टारगेट इसमें अपसाइड के टारगेट इस कॉल ऑप्शन में आते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो ये कॉल ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आप देखें, बात करते करते आ चुका है 28 की रेंज में, 28.50, 24.20 पे गया था अगर आप देखें स्क्रीन पे, फिर 25 पे, 26 पे, 27 पे, 28, अब आपकी स्क्रीन पर आप देखें 28.50 अगर आप देखें इस ऑप्शन की वैल्यू हो चुकी है। गोदरेज सीपी एट डे हाई, निफ्टी रिकवर होके अगर आप देखें फिर संभला है, और आपकी स्क्रीन पे डे हाई पर तो नहीं लेकिन हाँ संभल चुका है। गोदरेज कंज्यूमर का ये ऑप्शन हो गया है 29 पर, और एक चीज मुझे और हर्षता क्लॉक कर रही है और क्लिक कर रही है इनफैक्ट, माफ कीजिएगा, वो है कोटक महिंद्रा बैंक। चंदन, आज सुबह बहुत डेडिकेटेड डिस्कशन हमने किया था कि भैया जब दुनिया किसी चीज पर बेरिश हो जाए तो उस वक्त उस पर बुलिश होने का वक्त आ जाता है। बहुत से लोगों ने आप देखिए इसकी ओआई समरीज के बारे में बात करी कि भाई शॉर्टिंग काफी हो रही है, पुट ऑप्शन लेते हैं, ये करते हैं, लेकिन 200 डेमा से गजब का रिवर्सल शॉर्ट कवरिंग, अब डे हाई पर 20 डेमा के ऊपर ट्रेवल करता हुआ 50 डेमा को किस करने की कोशिश करता हुआ, नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट्स क्या है? बिल्कुल मेरे, देखो आज कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक के सहारे में कोटक बैंक और इंडसइंड बैंक आए हैं, और उसकी वजह से अब बैंक निफ्टी अपने आप को एक आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। और जिस हिसाब से प्राइस पैटर्न बना है पिछले 3-4 दिनों से, कोटक बैंक ऑलरेडी आप देखोगे लगभग 1700 के लेवल पे बॉटम बना चुका है, कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव टू रेंजबाउंड बायस वाला काउंटर है, तो लोअर बैंड पे सपोर्ट ले लिया तो अब यहाँ पे अपर बैंड की तरफ जाना चाहिए, तो लगभग 1800 तक का अपसाइड यहाँ पे बन रहा है, और एज ऑफ नाउ खरीदारी की सलाह ही बनेगी 1735 के स्टॉप लॉस से आप 1800-1810 तक के लेवल कोटक बैंक को ऊपर की तरफ जाते हुए देख सकते हैं। तो देखिए कोटक में 1800 तक की तैयारी होती दिखाई दे रही है, राय साफ है, तेजी का कॉल यहाँ पर आपने लेना है। वीरू, दरअसल जब आप कोटक महिंद्रा की बात कर रहे थे उससे ठीक पहले मैं सोच रही थी कि बजाज फाइनेंस पर भी एक बार नजर डालनी चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा ठीक 1 बजे के शो में वो Q1 का अपडेट आया और तब हम इस स्टॉक की चर्चा कर रहे थे, तब ये स्टॉक 6200 के लेवल्स को छूने में कामयाब था, अब वहां से निकल चुका है आगे 6245 तक के लेवल्स आ चुके हैं, और देखिए आज का हाई था 6342 का, डिपॉजिट्स में 38% तक का इजाफा, न्यू लोन्स 4.6 मिलियन के इस Q1 में इन्होंने क्लॉक किए हैं, और कस्टमर बेस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर करीब करीब 4% तक की ग्रोथ देखने को मिली है, तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस बजाज फाइनेंस का रहा। इनफैक्ट इस पर भसीन साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उस पर भी कॉल ले लेंगे। भसीन साहब इस समय क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं उस पर भी राय लेंगे, और एक टेक चेक भी लेकर आएंगे आपके लिए बजाज फाइनेंस की आगे की ट्रैजेक्टरी क्या कह रही है। भसीन साहब गुड आफ्टरनून, पहले बजाज फाइनेंस की चर्चा करते हैं सर, बहुत तगड़ा नंबर दिया है इन्होंने Q1 के अपडेट में, आप यहां से स्टॉक से क्या एक्सपेक्ट करेंगे, ये जो आज हल्की सी झलक 6342 की आई क्या उसके पार निकलने की क्षमता रखता है स्टॉक? हाँ गुड आफ्टरनून हर्षिता, ये तो ये बता रहा है कि अच्छी कंपनियां और क्रेडिट में कितनी ग्रोथ आने वाली है। एंड यू नो जैसे मैंने आपसे और मैं सबसे मजाक में भी कहता हूं कि छुट्टी का तैयारी करो, क्योंकि छुट्टी में आपको अप्रूवल तो मिल जाएगी लेकिन जगह नहीं मिलेगी। एंड बजाज इज अ पेडिग्री स्टॉक विच हैज शोन यू दैट एसेट अंडर मैनेजमेंट एट अ टाइम व्हेन इंटरेस्ट रेट्स आर लो आर गोइंग टू गो टुवर्ड्स मोर स्लाइटली बेटर क्वालिफाइड कंपनीज, तो इट इज नो doubt that credit is going to expand at the fastest pace ever in the next 1 year. And ye jo aapki spending momentum aayega, because there is a huge amount of pent up spending which is come. 18 mahine se siway RT-PCR test ya dawai ke liye aapne kharcha kiya aur kisi cheez pe kharcha nahi hua, to wo ab ek vengeance spending jise kehte hain that is going to be unleashed. Bajaj, both the twins will be the biggest beneficiaries. So I think, these are expensive stocks, Harshita, to comment on them. But I think 6,500 and 14,000 on both of those respective is definitely on the card.
दीज आर पेडिग्री स्टॉक्स, अगर लीजिए तो एक सिप करके लीजिए, बिकॉज इन वॉलेटाइल टाइम्स यू गेट देम चीपर बट यू मस्ट बी इन्वेस्टेड। हाँ, तेजी की पोजीशन यहाँ पर लेनी है तो धीरे धीरे करके लीजिए, महंगे तो हो गए, किसी ने सोचा नहीं था कि 12,100 का स्तर देखने को मिलेगा। बजाज फाइनेंस में जो एक तरफा तेजी देखने को मिली है और फाइनेंस भी 6,500 की अब तैयारी कर रहा है, 6,200 के पार निकला है काउंटर। अच्छा भसीन साहब, आपने किन स्टॉक्स पर तेजी की राय देनी है इस घंटे बताइए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज मार्केट में ऑफकोर्स अनडाउटेडली काफी हैं, हालांकि आज डे हाई से निफ्टी में थोड़ी सी अनवाइंडिंग जरूर आई, तो मौका कहां दिख रहा है आपको? नहीं, डे हाई से तो आज सोल कल्प्रिट इज टाटा मोटर, जो एक हाई बीटा काउंटर है उसने सेंटिमेंट, बट लुक एट द स्ट्रेंथ इन द बैंक हर्षिता, आई एम सेइंग दैट दिस इज बैंक निफ्टी इज हेडेड टू 37,000, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द बेस्ट रैली इन बैंक्स इन अ लॉन्ग टाइम। ऑल्सो मैं अपडेट दे दूं, गोदरेज कंज्यूमर एंड बालकृष्णा हैव बीन टू ऑफ माई आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स, देखिए कहां वो पहुंच गए, 815 वाला गोदरेज कंज्यूमर इज हेडेड टू 1000, जो मैं 1200 कह रहा हूं, और बालकृष्णा इंडस्ट्री 2330 हो गया है जो 2400 जाए। आज के दो पिक्स हैं, सिंपल पिक्स हैं, बंधन बैंक हैज 2.5 करोड़ उसके पास अकाउंट है, जो ये रीओपनिंग ट्रेड बैंक्स का बैलेंस शीट का और क्रेडिट का होएगा वो रूरल प्लेसेस में और भी ज्यादा होएगा, तो मेरे हिसाब से बंधन बैंक इज द बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड स्टॉक इन दिस इंटायर बैंकिंग स्पेस इन इंडिया। तो 320-21 में लीजिए, स्टॉप लॉस रखिए 313, बट 340 से पहले मत बेचना। दूसरा बाय अगेन जो पावर में सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है, विच विल बी लाफिंग इट्स वे ऑन टू द बैंक, इज एनटीपीसी। दे आर सिटिंग ऑन 10,000 करोड़ कैश, देयर पावर रिसीवेबल्स आर एट द बेस्ट प्लेस बिकॉज पावर इज अ स्वीट स्पॉट, 16.5-17 में लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस 13, दिस इज हेडेड टू 125। ओके भसीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, बंधन बैंक और साथ ही साथ एनटीपीसी का देखेंगे, दो स्टॉक्स जो कि आपके रडार पर है इस वक्त। सीमेंट स्पेस अगर आप देखें, जिसे कहते हैं ना फायरिंग ऑल सिलेंडर्स स्टिल, आई मीन रामको सीमेंट्स 1090 पे अगर आप देखें डी हाई पर ट्रेड करता हुआ, और आप समझ लीजिए कि यस इसकी ये स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल है पोस्ट, अगर आप देखें 26 मई 2021। चंदन कैसे अप्रोच करेंगे आप रामको सीमेंट्स? अब ये एक टिपिकल राउंडिंग बॉटम के एक ब्रेकआउट की तैयारी करता हुआ, जो कि मेरे ख्याल से कंफर्म होगा 1,095 के ऊपर, आपका अप्रोच रामको सीमेंट्स पर? जी वीरू, देखिए रामको सीमेंट हमारा सीमेंट पिक में वन ऑफ द प्रेफर्ड मोमेंटम पिक हर बार रहा है, काउंटर ने भी रिसेंटली एग्जैक्टली एक ग्रेविस्टोन डोज ही बना के 50 डीएमआ के आसपास से जाके सपोर्ट लिया है, और लगातार दो दिनों से यहाँ पे हायर टॉप्स हायर बॉटम और कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को बने, और देखिए आज पूरे सीमेंट स्पेस में तेजी है, और ये स्टॉक अपने जो वीकली चार्ट में देखें 13 वीक पुराने जो हाई थे 1110 उससे बस कुछ दूर और है, तो सबसे पहले तो 1110 का टारगेट बनेगा, उसके बाद में 1130-35 तक की अपसाइड भी बनने चाहिए, तो बिल्कुल खरीदारी की सलाह यहाँ पे रखेंगे, 1,062-63 का स्टॉप लॉस, 1110 और 1130 तक की अपसाइड रामको सीमेंट में अभी भी यहाँ पे बनने चाहिए। ओके, 1130 तक के स्विंग मिल सकते हैं आपको, आपके स्क्रीन पे अगर आप देखें रामको फ्यूचर्स जो है वो री हाई पर ट्रेड करते हुए। एक बार आप लेके आइए इंडसइंड बैंक, पालवे साहब 1037-1038 का स्तर यहाँ पे, कोई ऑप्शन ट्रेड देना चाहेंगे आप यहाँ पर? ये आई थिंक हल्का सा मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये 1040 की रेंज कट गई, जिसकी रेंज में एक इंट्राडे भी हाई आता है 15 जून का, वो है करीब करीब समझ लीजिए कि 1055 का, आपका टेक इंडसइंड बैंक का, कोई ऑप्शन ट्रेड आपके पास है क्या इसमें? बिल्कुल वीरेन जी, मुझे याद पड़ता है कि हम लास्ट वीक भी इस स्टॉक पे डिस्कस किए थे, और इसका सेटअप देख के कहीं ना कहीं ये एक अंदेशा हो रहा है कि इसमें एक बड़ा मूव यहाँ से बनते हुए दिखना चाहिए, और स्टॉक में जिस तरीके से स्टेबिलिटी अगर वीकली सेटअप देखे और स्टॉक में जिस तरीके से बेस फॉर्मेशन किया है 1000 और 990 की रेंज में, वो ये दिखाता है कि जैसे ये 1040 का लेवल क्रॉस करेगा तो एक अच्छा बड़ा मूव यहाँ से अनफोल्ड होते हुए दिखना चाहिए, पूरा सेक्टर ही एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है, और मुझे लगता है कि इंडसइंड बैंक 1040 का लेवल क्रॉस करते से एक बड़ा मूव यहां से देने को तैयार है, तो 1040 का कॉल ऑप्शन बाय किया जा सकता है बिल्कुल, जो कि अभी ट्रेड कर रहा है 33.50 रुपए के आसपास, ये कॉल ऑप्शन को 1 से 2 दिन के लिए रखें, मुझे लगता है कि जिस तरीके से ऑलमोस्ट अभी 1040 के आसपास इंडसइंड बैंक ट्रेड कर,
आज नहीं तो कल अगर ये ब्रेकआउट अगर बनता है तो इस ऑप्शन के टारगेट जो आना चाहिए करीब 46 से 55, ये दो टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं और ये बहुत जल्द ये मूव आएगा जैसे ही इसमें 1040 का लेवल क्रॉस होगा। करंट लेवल से स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे करीब 28 रुपए के आसपास। ओके, तो इंडसइंड बैंक, और कल ही इंडसइंड बैंक का Q1 का अपडेट भी आया और वहां पर भी साइन यही है कि ग्रोथ देखने को मिल रही है, एडवांसेस और डिपॉजिट्स दोनों में इजाफा देखा गया है। अच्छा, एक और स्टॉक जो रेडार पर है और ये कैश मार्केट का ट्रेड होगा तो बाबा साहब इस पर आप नजर डालिए, कैम्स एक बार स्क्रीन पर आएगा, 2954 के लेवल्स आ चुके हैं और बात करते करते स्टॉक में आ चुकी है 4% की तेजी। अचानक किसी घंटे दरअसल कैम्स में आया है मूव खरीदारी का, वॉल्यूम ठीक ठाक है 2964, ये देखिए वो स्पाइक आया वरना दिन भर एकदम शांत था, इस पर ज्यादा लोगों की नजरें नहीं गई थी। गावा साहब बताइए, 2970 तो आ गया, लगभग 3000 के पार निकलने की हो रही है तैयारी, क्या देख रहा है आप, दिखा रहा है आपका चार्ट 3000 पार कर लेगा। इनफैक्ट दो दिन से एक सुस्ती कर रहा था, सुस्ती नहीं कर रहा था, पॉज कर रहा था, सांस ले रहा था, स्टॉक होना चाहिए 2850 कैंप्स इंडिया में, अब वो मिलेगा। इसके जो चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, डेली चार्ट भी बढ़िया है, 3000 पार कर लेगा, मैटर ऑफ टाइम 3100 का एक टारगेट नजर आता है आते दिनों में, तो ले लेना चाहिए, जगह तो अच्छी है खरीदेगी और स्ट्रक्चर भी बढ़िया है। तेजी की पोजीशंस आपने कहा 3000 पार करेगा, 3005 3008 तक के लेवल जिसने अपने नाम कर लिए हैं, वो स्पाइक आया है, बहुत ही बढ़िया मूव इस स्टॉक ने इस समय दिखा दिया है। अच्छा मयूरेश, कैम्स एक तरफ जहां पर हम देख रहे हैं बड़ा एक्शन और कल परसों बातचीत हो रही थी ब्रोकरेज कंपनियों की भी, एंजल ब्रोकिंग जिन्हें जो नंबर दिखाए, ग्रो की ओर से एक अपडेट में पढ़ रही थी, वो कंपनी कह रही है कि दरअसल न्यू फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स की भरमार है मार्केट में, बड़े पैमाने पर लोग आ रहे हैं, रिटेल निवेशक पैसा लगा रहे हैं, तो क्या आप प्रिफर करेंगे कैम्स जैसा प्ले या फिर आपको कोई ब्रोकरेज स्टॉक इस समय पसंद है, अच्छे वैल्यूएशन पर है, अपॉर्चुनिटी है, कुछ लिया जाए? मयूरेश आपको अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा। सॉरी, तो जैसे आई थिंक ब्रोकिंग स्टॉक्स है या जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड एक्टिविटीज है, आप देख लीजिए CDS LBSE जबरदस्त तरीके से ट्रैक्शन में है, ब्रोकिंग स्टॉक्स भी, क्योंकि आई थिंक अच्छे खासा डिजिटलाइजेशन हो गया है, एक्विजिशन कॉस्ट अच्छी खासी कम हो गई है, एंड ऑल दीज न्यू मिलेनियल्स हु हैव कम इनटू द मार्केट ट्रेडिंग करने के लिए, ये जबरदस्त तरीके से आई थिंक एक सपोर्ट देते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज। मुझे लगता है आई थिंक कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन अलॉन्ग विद इंप्रूवमेंट इन मार्जिन एंड वॉल्यूम्स आर क्लियरली प्लेइंग आउट ऑन ब्रोकिंग स्टॉक्स, तो बिल्कुल आई थिंक ब्रोकिंग स्टॉक्स में बिल्कुल मोमेंटम रह सकता है। ICICI SEC हुआ एज एन एग्जांपल, एंजल ब्रोकिंग हुआ एज एन एग्जांपल, तो ब्रोकिंग स्टॉक्स कैन कंटिन्यू डूइंग वेल बिकॉज़ स्टॉक मार्केट एक्टिविटी इज ऑन द अपस्विंग। ओके, तो स्टॉक मार्केट एक्टिविटी बढ़ रही है अनडाउटेडली, हम देख भी रहे हैं, अब 16000 की तैयारी हो रही है, सेंसेक्स आज नया हाई पर पहुंचा। प्रचना जी आप तो कई लोगों को ट्रेन भी करती हैं, बताइए आप भी क्या मिलेनियल्स को ही ट्रेन कर रही हैं इस मार्केट में पैसे लगाने के लिए? नहीं, मेरे पास हर एक एज ग्रुप से लोग आ रहे हैं और बिल्कुल ही 20s में जो लोग होते हैं वहां से लेके इवन रिटायर्ड पीपल, दे आर टेकिंग इंटरेस्ट इन लर्निंग एंड दिस इज अ वेरी गुड साइन। सबसे बड़ा रिस्क मैनेजमेंट यही होता है कि आपके पास नोहा हो मार्केट का कि आप कर क्या रहे हैं। जी हाँ, तो देखिए आपने क्योंकि 20s का तो मिलेनियल कैटेगरी ही हुई, दिलचस्पी तो खूब ली जा रही है। अच्छा, कैंप्स पर एक चार्ट चेक भी दे दीजिए लगे हाथ आप। जी, कैंप्स की अगर बात करें तो उसमें पॉजिटिव तो है, चार्ट तो पॉजिटिव है उसमें, एंड यही है कि अगर किसी ने ऑलरेडी एंट्री ले ली है तो उसको ऐसे ट्रेड कर लेना चाहिए और ट्रेड ऐसे रखना चाहिए करीब करीब 2940 पे, और जो लोग फ्रेश एंट्री के लिए देखना चाहते हैं उनको 40-50 रुपीज के डिप पे एंट्री करनी चाहिए तो उनकी रिस्क मैनेजमेंट बेटर बैठेगी, और 2970 के आसपास कहीं पे एंट्री मिल जाए विच इज वेरी मच पॉसिबल मिल सकता है, तो फिर अगर एंट्री करेंगे तो ऊपर वाली साइड पे 3050 और 3100 के टारगेट के लिए मल्टीपल डेज के हिसाब से होल्ड कर सकते हैं। चलिए, तो 3014 के स्तर पे, 3020 के स्तर पे अगर आप देखें स्टॉक डे हाई की ट्रेजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ, इंडेक्स करीब 15826, 35625 अगर आप देखें, बैंक निफ्टी आपकी जगह इंडेक्स की ये क्लोजिंग देखिए, आपको इसमें से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा टाटा मोटर्स का इवेंट, उसके बावजूद अगर आप देखें ये क्लोजिंग अच्छी है, मतलब क्लोजिंग होने में 20 मिनट बाकी, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि 15810 के ऊपर ये क्लोजिंग अच्छी होगी और 35050 के ऊपर ये बैंक निफ्टी क्लोजिंग अच्छी होगी।
एक चीज इस बात को ध्यान में रखिए, दूसरी चीज यह ध्यान में रखिए, आप एक दिन के विलंब के बाद यूएस मार्केट्स खुलेंगे, डाउ फ्यूचर्स 34,647 पे है। दरअसल मैं ये एक बेस बना रहा हूं अपनी बीटीएसटी कॉल्स का, और टाटा मोटर्स डीएलओ पे क्लोज हो रहा है। कल सुबह सुबह अगर आप देखें हाउस व्यूज में, सबसे महत्वपूर्ण होगा टाटा मोटर्स की कमेंट्री और उस पर हाउस व्यूज। लेकिन उससे पहले अब विद ऑल रिस्क इन्वॉल्व, मैंने आपको जैसे समझाया 15,800 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, 35,500 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, लेकिन यूएस मार्केट एक दिन के विलंब के बाद खुलेंगे। चंदन, आपसे शुरू करते हैं, क्या लेकर जाना चाहेंगे आप, और आपके पास ये विकल्प भी है अगर आप कोई ऑप्शन देना चाहें अपने आप को, अपने डाउनसाइड को, अपने रिस्क को थोड़ा सा मिनिमाइज करने के लिए, लॉन्ग शॉर्ट फ्यूचर या फिर ऑप्शन? देखिए बाजार का व्यू वीरू ओवरऑल पॉजिटिव है, जरूर कुछ सिलेक्टिव काउंटर्स में प्रॉफिट बुकिंग हुई है, इसके लिए मार्केट वापस डिप हुआ है, बट आज जिस हिसाब से इसने लाइफ टाइम हाई के जस्ट लेवल को एक कदम दूर रहा, लग रहा है कि वापस ये नीचे से स्ट्रेंथ बना के चलेगा। आज 15,914 का हाई बनाया था, प्रीवियस हाई है वो 15,915, तो यहाँ पे सिलेक्टिव स्टॉक एक्शन देखने को मिलेगा, हेवेट्स में एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, बट बाजार की थोड़ी सी वॉलेटिलिटी को देखते हुए मैं डिफेंसिव नेचर पे जा रहा हूँ, तो लालपत लेप पे खरीदारी की सलाह रहेगी। लालपत लेप काफी अच्छा लग रहा है, इवन पूरे सेक्टर में पॉजिटिव मोमेंटम है, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, वीकली और डेली चार्ट में 2-3 दिन पहले कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद लगातार 6 दिनों से हार्ड टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, तो बाजार की वॉलेटिलिटी पे यहाँ पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो लालपत लेप खरीदारी की सलाह 3375 के स्टॉप लॉस से 3600 रुपए तक के टारगेट आपको हासिल होने चाहिए। चंदन तापड़िया, डॉक्टर लाल पैथ लैब, अगर आप देखें 3600 का टारगेट, 3375 का लक्ष्य यहाँ पर, आपको याद होगा 2 रोज पहले हम इसकी 3400 की कॉल भी लॉन्ग करके चल रहे थे। श्रीकांत जी, आप कल के लिए क्या कैरी करना चाहेंगे? चंदन ने बेहद खूबसूरत और कहीं ना कहीं अगर आप देखें ये ग्लोबल फैक्टर्स से अपने आप को परे करते हुए एक ट्रेड पिक कर लिया है, आपका फोकस कहाँ पे रहेगा? देखिए मुझे लगता है कि अगर मार्केट को अगर इसके प्रीवियस हाई को अगर क्रॉस करना है, और जैसे उनको मार्केट ने क्रॉस करने के बाद एक अच्छा ब्रॉड बेस पार्टिसिपेशन दिखाया है, ये सब देखने के बाद मुझे लगता है कि अगर एक्टिविटी बनेगी तो बैंक निफ्टी में बनेगी या तो फिर मेटल सेक्टर में बनेगी, क्योंकि मेटल्स में हमने देखा है कि फॉलो अप बैंक हमने जरूर देखा है, काफी अच्छे करेक्शन के बाद एक रिकवरी मोड में वो ऑलरेडी आ चुके हैं। करंट लेवल से मुझे लगता है कि वेदांता बाय करके चलना चाहिए, काफी अच्छा करेक्शन स्टॉक ने दिया है। करंट लेवल से ये स्टॉक मुझे लगता है कि वापस एक बार 280 से लेकर 285 के लेवल दिखा सकता है, तो करंट लेवल से इसे बाय करें, काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, 265 का आप स्टॉप लॉस रखें, और साथ ही साथ मुझे लगता है वीरेंद्र आप टाटा स्टील पे भी फोकस रखें, क्योंकि आज के दिन में अगर आप देखें तो इसमें फॉलो अप बाइंग की जो एक रैली थी वो काफी शानदार थी, नो डाउट की टाटा मोटर्स ने थोड़ा मूड बिगाड़ा है, लेकिन करंट लेवल से टाटा स्टील को बाय किया जा सकता है, 1150 का स्टॉप लॉस रखे, 1210-1220 के टारगेट्स मुझे लगता है कि आने वाले 1 या 2 दिन में हमें देखने मिल सकते हैं। ओके, तो आने वाले दिनों में टाटा स्टील में तेजी, 1210 का टारगेट, वेदांत में भी एक तेजी की पोजीशन आप लेकर चले, और डॉक्टर लाल है चंदन तापड़िया के रेडार पर, यह बीटीएसटी कॉल्स इन दो जानकारों के। गावा साहब और पालविया साहब से भी पूछ लेते हैं, बीटीएसटी या एसटीबीटी क्या करने का मूड है? गावा साहब बताइए। मैं लूंगा बीटीएसटी और स्टॉक होगा मेरा बैंकिंग क्षेत्र से एचडीएफसी बैंक, बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रेकआउट मिला है, अब इसका जो टारगेट है हायर है, मैंने जो टारगेट इस वक्त दिया है 1560 का है, लेकिन मुझे लगता है हायर जोन देखने को मिल सकते हैं, जो ब्रेकआउट बहुत ही बढ़िया है, स्टॉक होगा 1520 एचडीएफसी बैंक। ओके, एचडीएफसी बैंक 1560 की तैयारी, 1540 तो आ ही गया, तो कल तक 1560 के लेवल्स 2.5% ऊपर है, ये याद रखिएगा आज ये स्टॉक। पालिया साहब जी, तो हर्षदा जी मेरे 2 बीटीएसटी है, एक एफएनडो सेगमेंट से, एक कैश सेगमेंट से, तो एफएनडो सेगमेंट से मुझे अल्केम काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, जिस तरीके से थ्रू आउट द सेशन स्टॉक में एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है, स्टॉक ऑलमोस्ट हाई के आसपास ही क्लोज होते हुए दिख रहा है, अगर इसका ओवरऑल सेटअप भी देखें तो स्टॉक एक पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, पिछले स्विंग हाई इसने ऑलरेडी निकाल चुके हैं डेली चार्ट पे, तो हमें लगता है अल्केम को यहाँ से बीटीएसटी करना चाहिए, इसमें टारगेट जो आना चाहिए वो करीब 3390 तक के टारगेट बीटीएसटी में आते हुए दिखेंगे इस अल्केम में।
में फ्यूचर में, स्टॉप लॉस इसका सजेस्ट करेंगे हम 3295 के आसपास। जो दूसरा ट्रेड लेना है वो रहेगा सेंचुरी टेक्सटाइल का। ये स्टॉक का अगर हम डेली सेटअप देखें तो स्टॉक में एक नैरो रेंज का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट कल ऑलरेडी हो चुका था, उसके बाद आज फॉलो अप बाइंग एक्शन है। और जिस तरीके से स्टॉक में आज थ्रू आउट द सेशन बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है, स्टॉक ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास ही क्लोज होता हुआ दिख रहा है। तो सेंचुरी टेक्सटाइल में हमें लगता है कल तक टारगेट जो आना चाहिए ओपनिंग में वो आना चाहिए 700 रुपए से 705 रुपए के आसपास, 674 के आसपास का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे सेंचुरी टेक्सटाइल बीटीएसटी करने के लिए। सेंचुरी टेक्सटाइल्स का देखिए बीटीएसटी ट्रेड 700-705 का टारगेट, 674 का आप देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। अब चलते हैं रचना जी के पास। रचना जी आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड कल के लिए? I like to go with the IndusInd Bank. IndusInd Bank के futures में 1020 पे ऐसे लगाएंगे और ऊपर वाली साइड पे टारगेट रखेंगे 1042, 1052 एंड 1060. ओके चलिए मयूरेश जी आज आप क्या कैरी करना चाहेंगे? बीटीएसटी तो नहीं होगा लेकिन हाँ थोड़ा सा एक दो दिन के प्रोस्पेक्टिव से, स्विंग प्रोस्पेक्टिव से आपकी टेक्निकल टीम ने थोड़ा सजेस्ट भी जो किया हो स्टॉक जिसको आप चेज करना चाहें शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से। मयूरेश जी नहीं थोड़ा हटके है स्टॉक का अभी जी, और मुझे स्पेशलिटी केमिकल्स और पाइप कंपनियां दोनों पसंद आती है, तो आई थिंक ये दोनों कंपनियों का तड़का ये जो कंपनी बता रहा हूँ उसमें होने वाला है। DCW लिमिटेड, ये कंपनी वीरू जी आई थिंक सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है CPVC जो पाइप कंपनीज के बनाने के लिए मटेरियल है 10,000 मेट्रिक टन का इंडिया में। इसके अलावा इनके पास CPC का जो आई थिंक एक बड़ा मार्केट है, 90,000 MTA का प्लांट है, अलॉन्ग विद अदर प्रोडक्ट्स, सोडा ऐश जिसे हम टाटा केमिकल्स गुजरात हेवी केमिकल्स की बात करते हैं, यहाँ से आई थिंक जो एबिट मार्जिन निकलती है जबरदस्त निकलती है। कॉस्टिक सोडा आई थिंक जो इनका एक प्रोडक्शन फैसिलिटी है 96,000 MTPA की, ये जबरदस्त तरीके से सपोर्ट करती है टॉप लाइन को और बॉटम लाइन को। इनफैक्ट FY20 के आप अगर नंबर्स देखे बैलेंस शीट के हिसाब से वर ऑन द सॉफ्टर साइड, इनफैक्ट नेगेटिव टेन पूरी टर्न अराउंड कर दी है कंपनी ने FY21 पे, टॉप लाइन हो इबिट मार्जिन्स हो वेर दे पोस्टेड 15%, और एक्सपेक्टेशन यही है कि स्पेशलिटी केमिकल जो 15% है अलोंग विद CPVC एंड PVC बिजनेस दैट अकाउंट्स फॉर 95% पूरे एबिटा का ये कंपनी के धंधे में, जो आई थिंक बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करेगा कैश फ्लोस को। डेट इक्विटी इज एट 0.6 टाइम्स, और जैसे कैश फ्लोस इंप्रूव होंगे गोइंग फॉरवर्ड बिकॉज़ दे हैव आल्सो गॉट एन आयरन ऑक्साइड फैसिलिटी जो एक्सपोर्ट मार्केट के लिए काम में आएगी विद रेड एंड येलो पिगमेंट्स, तो बेहतरीन और लाजवाब कंपनी है मेरे हिसाब से। थोड़ा टैक्टिकल ट्रेड जरूर हो सकता है, मैं जो चार्ट्स पे देख रहा थोड़ा मैं चार्टिकल पर्सपेक्टिव, इसका जो 50 DMI है 3750 ये कभी भी 50 DMI को तोड़ता नहीं है, तो मुझे लगता है इसका एक बहुत जबरदस्त कंपनी है जिसका तड़का स्पेशलिटी केमिकल्स एलिवेटर्स पाइप्स आई थिंक ये दोनों के लिए काम में आ सकते हैं, ह्यूज टर्न अराउंड वेयर EPS अर्निंग्स कैन कीप ऑन ग्रोइंग इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, सो एक बिल्कुल टैक्टिकल ट्रेड हो सकता है। एक टैक्टिकल ट्रेड आपके स्क्रीन पर DCW, और DCW में इस समय आ गया है पूरा जोश, आपने बस आपके बस कहने का इंतजार था। ये काउंटर देखिए 40.70 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ, वॉल्यूम्स में पिकअप देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर मूव करीब करीब 2.5% की बढ़त का साफ देखा गया है। एक दो और काउंटर्स वीरू वैसे स्क्रीन पर आ रहे हैं, डॉक्टर लाल का क्योंकि जिक्र कर रहे थे यहाँ पर चंदन, मेट्रोपोलिस पर मेरी नजर गई और मेट्रोपोलिस में भी धीरे धीरे करके पोजीशंस थोड़ी सी बढ़त की तरफ आने लगी है, 2969 के स्तर दरअसल इधर देखे जा रहे हैं, इस पर भी एक राय दीजिए जितना अट्रैक्टिव आपको डॉक्टर लाल लग रहा है चंदन, क्या मेट्रोपोलिस में उतना दम है? बिल्कुल देखिए पूरा सेगमेंट है यहाँ पे एक पॉजिटिव बायस दिखा रहा है ओवरऑल, चाहे आप थायरोकेयर की बात करें, लाल पेथलिप की बात करें, मेट्रोपोलिस की बात करें, मेट्रोपोलिस एक ब्रेकआउट्स के लिए तैयार है आज, हालांकि ऊपर के लेवल से थोड़ा सा करेक्ट हुआ बाजार की वजह से, बट हल्का सा फॉलो पाते एक वीकली चार्ट में मेजर ब्रेकआउट यहाँ पे बनेगा, तो ओवरऑल पॉजिटिव बायस ही इस काउंटर में है। 2915 के आसपास की इमीडिएट बेसिस पर सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 3050 से लेके 3100 तक के अपसाइड बनेंगे, तो लाल पेथलिप ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बट मेट्रोपोलिस का भी सेटअप है वो लाल पेथलिप को कैचअप करता हुआ नजर आएगा। ओके, तो डॉक्टर लाल पैथ लैब्स में और मेट्रोपोलिस दोनों में एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है, खरीदारी करके चले डॉक्टर पाल लाल, ऑफ कोर्स एक प्रेफर्ड बाय इस समय चंदन के लिए। एक और ट्रेड जो इस समय दरअसल चमक रहा है, ये नॉर्मली वॉल्यूम्स इसमें कम होते हैं, जाइडस वेलनेस मुझे याद है ये शुगर फ्री के ब्रांड के लिए काफी जाना जाता है और स्टॉक काफी चला है। निलेश शाह आपको याद होंगे एनविजन वाले, उन्होंने सबसे पहले राय दी थी मेरे ख्याल में 2 साल पहले, जाइडस वेलनेस में एक मौका होना चाहिए,
और यहाँ पर लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स की काफी नजरें होती हैं 2% ऊपर। मयूरेश, क्या जाइडस पर आप कोई एडिशनल इनपुट देना चाहेंगे? करंट मार्केट में क्या एक मौका है? You are absolutely right. I think इनके जो प्रोडक्ट्स है शुगर फ्री जैसे हुआ, I think that becomes very very supportive in terms of growth. जहां तक नंबर्स का सवाल रहा, I think I'm just purely talking in terms of balance sheet dynamics quarter on quarter के हिसाब से. Numbers have obviously shown steady improvement. जो हम लॉकडाउन के क्वार्टर्स में पेन देखते थे and quarter after that, the last few quarters have been surprisingly quite good for Zydus. इसके वजह से I think जो इनकी EBIT margins पे एक प्रेशर देखने मिला था पिछले वर्ष, I think that should normalize going forward. और जो negative return हमको देखने मिला था, because हर्षद जी अगर आप देखें जो ROE से company report करती है because of their strong cash flows is anywhere in that late teens, तो 19-21% के आसपास की I think ROE होती है, तो I think single digit में सरक चुकी है. तो जैसे business recover होगा, जैसे I think ये activity numbers में reflect होगी अगले कुछ तिमाहियों में, मुझे लगता है I think recoupment of top line will reflect on margins becoming stronger because of the business model. Our ROEs, I think, will start getting reflected in a much higher positive fashion in the higher single teens, single digits in the next few quarters. मुझे लगता है जबरदस्त business model है जिनके पास है, बिल्कुल hold करेंगे. Okay, तो एक जबरदस्त मॉडल यहाँ पर, एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है और मोमेंटम देखा गया है स्टॉक में. सेंचुरी टेक्सटाइल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं. देखिए, आज तो दिन पालव्या साहब का है. पालव्या साहब ने कहा टाटा मोटर्स को कीजिए शॉर्ट और स्टॉक पहुंचा 310 के लेवल्स पर. अब इन्होंने कुछ ही क्षण पहले कहा सेंचुरी टेक्सटाइल में लीजिए BTST और स्टॉक में आ चुका है इनका टारगेट. पालव्या साहब, क्या खाया आज आपने लंच में? अच्छा जी, होम टाउन है और होम टाउन का खाना खाया आज तो. मुझे तो लग रहा है आपने आज गट्टे की सब्जी खा ली है. एक के बाद एक टारगेट हिट हो रहे हैं. बताइए, अगला कोई टारगेट देना चाहेंगे? 705 आना भी बाकी है. हर्षिता जी, 709 का प्राइस, 715 का इनफेक्ट हाई लग चुका है स्टॉक का. तो मेरे हिसाब से जिन्होंने BTST किया ऑलमोस्ट उन्हें 30 रुपए के आसपास का गेन ऑलरेडी मिल चुका है, तो अब इसमें प्रॉफिट बुक कर ले. दूसरा स्टॉक जो हमने सजेस्ट किया था BTST अल्केम, वो कैरी करेंगे. सेंचुरी टेक्सटाइल में प्रॉफिट बुक करने की सलाह देंगे. 715 ऑलमोस्ट इसमें हाई लग चुका है. जी, टेक्सटाइल में आप प्रॉफिट बुक करके जाइए. अल्केम में जो तेजी का कॉल था वो होल्ड करना है, ये साफ इनकी राय. चलिए, एक दो और ट्रेड्स आपके लिए स्पॉट करते हैं जाते जाते, जहां पर एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है. और दरअसल जिंदल 100 पर भी अब थोड़ा सा एक्शन बढ़ रहा है, 120 तक के लेवल्स. मेटल्स पे श्रीकांत, आपने कहा था वेदांत जैसे काउंटर्स, टाटा स्टील जैसे काउंटर्स में मौका है. जिंदल 100 क्या ट्रैक करते हैं आप? बिल्कुल, इनफैक्ट जितने भी मेटल के स्टॉक है उन सभी पे ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो एक तेजी बनी है वो टॉप डाउन की तेजी बनी है. यानी यहाँ पे जितने भी लार्ज कैप से लेकर स्मॉल कैप के स्टॉक है उन सभी में हमें चमक देखने मिलेगी. अच्छा खासा एक करेक्शन हुआ है आज ही के दिन में, 115-116 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है. मुझे लगता है कि 110 प्लस के साथ बिल्कुल इसे बाय किया जा सकता है, क्योंकि जो इसके नेक्स्ट लेवल्स बन रहे हैं वो तकरीबन 135 से लेकर 145 के रेंज के अंदर के हैं. तो करंट लेवल से एक पोजिशनल बाय लिया जा सकता है. 120-121 के करीब ट्रेड कर रहा है और 110 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए. ओके, अब देखिए, आपने डॉक्टर लाल पैथलैब की बात करी, वहां स्विंग अच्छा मिला BTSC ट्रेड्स में. आपने सेंचुरी टेक्सटाइल्स की बात करी, वहां अच्छा ट्रेड मिला. दो तीन स्टॉक्स में और रखूंगा जहां पे आप स्ट्रेंथ को बाय करके ले जाएंगे. देखिए, हम स्ट्रेंथ को बाय करके ले जा रहे हैं. एक आप देखिए ICICI सिक्योरिटीज, ये पूरा का पूरा एंजल, ICICI, CDSL, BSC, इन सबको रखिए डार पे. और दो एक और चीज रखिएगा स्क्रीन पर, वो है टाइटन और TBZ. चंदन, आपसे मैंने सुबह टाइटन डिस्कस भी किया था. टाइटन की क्लोजिंग बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट स्टिल इट्स अ स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, एंड स्पेशली विद TBZ. इन दोनों स्टॉक्स पे आपकी राय, और ICICI सिक्योरिटीज को डिलीवरी के प्रोस्पेक्टिव से अब आप कहां जाता देखते हैं चंदन? ये तीन स्टॉक्स मैंने आपके स्क्रीन पर रखे हैं डिलीवरी के प्रोस्पेक्टिव से. जी बिल्कुल, देखिये ICICI का डिस्क्लेमर रहेगा, टेक्निकल राय है और यहाँ पे हमें अच्छा मोमेंटम लग रहा है. इनफैक्ट जो प्राइस पैटर्न बना है, 3 दिन पहले जो ब्रेकआउट हुआ है, इंडिकेट कर रहा है कि मौजूदा लेवल से 8-10% की रैली बन सकती है. तो इवन BTST के लिए भी कैरी किया जा सकता है, पोजिशनल भी लिया जा सकता है. काउंटर में आपको लगभग 695 के आसपास के सपोर्ट रहेंगे, ऊपर में 775 तक के अपसाइड बनने चाहिए. तो 775 के सब टारगेट के लिए ICICI में यहाँ पे टेक्निकल खरीदारी की सलाह रहेगी, डिस्क्लेमर साथ में रहेगा. अब टाइटन की हम बात करें तो टाइटन एक रिजिलियंस दिखा रहा है.
बाजार की वोलेटिलिटी के बावजूद भी अपने आप को होल्ड कर रहा है और कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा है कि ये काउंटर में एक पॉजिटिव बायस है और कभी भी ब्रेकआउट देके रिसेंट का जो स्विंग हाइज है लगभग 1792-1800 वो सरपास करता हुआ नजर आएगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए टाइटन पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। 1740 का एक स्टॉप लॉस रहेगा छोटा सा, ऊपर में आपको 1800-1820 तक के अपसाइड बनेंगे। टीबीसी की बात करें तो ये काफी अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से, कल यदि एक पॉजिटिव ओपनिंग हुई तो टीबीसी में 10-12% की रैली रूल आउट नहीं की जा सकती, काफी अच्छा आज एक कैंडल बना है। तो 81 का स्टॉप लॉस, 89.90 के टारगेट कल आपको मिलेंगे टीबीसी में। अच्छा, एक और चीज लिखी है, ये आपने एक तथ्य सुना, आप लेके आइए निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, जिसको एडवांटेज मिल रहा है एचडीएफसी का, जिसको एडवांटेज मिल रहा है बजाज फाइनेंस का। बजाज फाइनेंस की आप आज की डे कैंडल लेके आइए, बजाज फाइनेंस की आज की डे कैंडल जो है वो समझ लीजिए कि 11 जून के बाद की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम पोस्ट कर रही है। पहली चीज ये जहन में रखिए कि स्टॉक अब नई ट्रेजेक्टरी में जाने की कोशिश कर रहा है। टाटा मोटर के इंसिडेंट ने बाजार का मूड बिगाड़ा, स्टॉक डीहाई पर आ गया। जरा कैंडलस्टिक चार्ट ली गई डेली चार्ट पे, हुआ क्या है, वाइल्ड हायर शैडो, जिसका मतलब यह है कि स्टॉक इवेंट के मद्देनजर बैकफुट पे आ गया, बट वॉल्यूम्स इंडिकेट करते हैं कि वो अपने डैमेज को कंट्रोल कर लेगा नेक्स्ट सेशन में। अब 6225 पे क्लोजिंग है। पालवे साहब, 6300 या 6400 दोनों ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर आएंगे, क्या लेना चाहेंगे? तो बिल्कुल धीरेन जी, मैं ये ट्रेड को भी बीटीएसटी में ऑप्शन के थ्रू देने की सोच रहा था, लेकिन थोड़ा वोलेटाइल मार्केट था इसलिए मैं उसको अवॉइड किया। अदरवाइज मुझे स्टॉक में जिस तरीके से मोमेंटम बना है, ये बिल्कुल 6400 की कॉल को यहाँ से बाय किया जा सकता है। 134 के आसपास अभी ट्रेड कर रही है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक में जो आज मोमेंटम बना है, ये मोमेंटम कल अगर मार्केट स्टेबल रहेंगे ओपनिंग में, तो बिल्कुल ये स्टॉक 6400 की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये कॉल ऑप्शन के टारगेट आना चाहिए करीब 190 तक के। इसमें स्टॉप लॉस जो रखना होगा करीब 105 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे और 190 के टारगेट 6400 की कॉल ऑप्शन में कैरी करके लेके जा सकते हैं। ओके, तो बजाज फाइनेंस जैसे ट्रेड्स पर नजरें हैं, लेकिन आप देखिए बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी, इंडसइंड, कोटक सब में खरीदारी हुई। पोजीशन निफ्टी बैंक की थोड़ी सी अनवाइंड हो रही है। आखिरी तीन मिनटों में आप 35500 पर पाएंगे निफ्टी बैंक को। आज दरअसल 35807 का हाई छुआ था निफ्टी बैंक ने और वहां से दरअसल आप कह सकते हैं कि करीब करीब 300 पॉइंट की मुनाफा वसूली लोग करके गए हैं। निफ्टी के लिए भी चाल ऐसी ही दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देखिए करीब करीब 845 तक का, 914 का हाई था, बेग योर पार्डन, 900 के पार गया था, ये मुझे याद है निफ्टी, और वहां से आप कह सकते हैं 100 अंकों तक की मुनाफा वसूली लोग करके गए हैं। तो थोड़ी सी पोजीशंस अनवाइंड हुई है और ठीक है, देखिए चौतरफा तेजी के दिन कुछ कुछ मुनाफा लोग काट लेते हैं, उसमें कोई डर की बात नहीं है। लेकिन हाँ, आज सबसे ज्यादा पैनिक अगर एक स्टॉक ने क्रिएट किया क्लोजिंग के लिए, वो ऑफकोर्स टाटा मोटर्स ही था। मिड कैप इंडेक्स भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर करीब करीब 11 से 12 अंकों तक का नुकसान देखने को मिल रहा है। यहां पर स्टॉक स्पेसिफिक भरपूर हरकत देखने को मिली जरूर थी, लेकिन इवेंचुअली ये इंडेक्स ठंडा ही बंद हो रहा है। कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जहां पर सबसे ज्यादा दरअसल एक्शन रहा। तो पहले इंडेक्स के ट्रेड्स आपको दिखा देते हैं तेजी वाले। अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट, ये वो काउंटर्स थे दिग्गजों में जहां पर हमने देखा भरपूर तेजी देखने को मिली। सीमेंट स्पेस में मिड कैप भी काफी ज्यादा एक्टिव था आज के दिन, तो ये पूरा पैक का आज रौनक दिखा रहा है। बैंकों की हमने बात की, एचडीएफसी बैंक लगभग 1530 पर टिकता हुआ, बजाज फाइनेंस इसके ठीक पीछे, एसबीआई लाइफ और बजाज फिनसर्व में भी चमक देखने को मिली। टाटा स्टील्स में थोड़ी सी पोजीशन आई, 0.5% की सही, लेकिन खरीदारी देखने को मिली और श्रीकांत कह भी रहे थे कि यहाँ पर पोजीशंस और भी तेज होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन आप देखिए लूजिंग एंड पर टाटा मोटर्स मार खाने के बाद और आज का लो जो इसने छुआ उसके बाद थोड़ी सी अपनी पोजीशन इसने रिट्रेस जरूर की, 311 तक टूटा काउंटर, लेकिन फाइनली 316 के आसपास तक का क्लोज ये दिखाएगा 8.5% नीचे। इसके ठीक पीछे टाटा मोटर्स के डीवीआर की भी धुलाई हुई है। टेक महिंद्रा, कोल इंडिया, टीसीएस कुछ अनवाइंडिंग यहाँ पर देखने को मिली। याद रखिएगा टीसीएस के नतीजे आएंगे परसों शाम को और वो इनफैक्ट एक ट्रेंड सेट करेगा कि यहां से आगे का एक्शन क्या बनता दिखाई देगा। साथ ही साथ आप देखिए एम एन एम
मारुति जैसे काउंटर्स टाटा मोटर्स की मार के बाद यहाँ पर भी पोजीशंस थोड़ी सी अनवाइंड होती हुई दिखाई दी। फ्यूचर्स के कुछ ट्रेड आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहाँ पर आज हमने देखा है हरकत देखने को मिली, तो तेजी की तरफ ऑफकोर्स एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक नंबर्स अच्छे थे, जो Q1 अपडेट आया सीमेंट में रैमको सीमेंट PVR चला, आज गोदरेज कंज्यूमर सुबह में हमने कॉल दिया था तेजी का और दिन भर यहाँ पर अच्छी खासी चमक अच्छी खासी और रौनक देखने को मिली है। तो कुल मिलाकर वीरू आप कह सकते हैं कि निफ्टी बैंक आज का हीरो, क्योंकि इसी ने दरअसल हैंडल किया है आज दोपहर सेकेंड हाफ में जो पोजिशन अनवाइंड होती दिखाई दी। जी हाँ, आप कह सकते हैं कि HDFC बैंक ने किया है और इंडसइंड बैंक ने किया है, SBI हालांकि बैकफुट पे है बट स्टिल अगर आप देखिए इंडेक्स की क्लोजिंग ठीक ठाक है। हमने एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट अगर आप देखें टाटा मोटर्स का झेला और कोई बड़ी अगर आप देखें छोटी बात नहीं थी, 10% अगर आप देखें समय टाटा मोटर्स डाउन था बट स्टिल इट्स अ गुड क्लोजिंग 15811 निफ्टी और करीब करीब 35518 पे अगर आप देखें तो इस वक्त निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट क्लोज होता है आपकी स्क्रीन पर और आज प्रॉफिट बुकिंग मोड पर देखें एक जो स्टॉक आया और लाल निशान में देखें गहरे क्लोज हो रहा है वो है 9% के नुकसान के साथ टाटा मोटर्स और लगभग 2 बजे एग्जैक्टली अगर आप देखें कमेंट्री आई और उसके बाद जो अनवाइंडिंग थी शॉर्टिंग थी वो गहराई और मैं एक अपडेट देता हूं आपको टाटा मोटर्स में आज का ये वॉल्यूम ये फेब 2021 का के बाद का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे था और इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ट्रेजेक्टरी को जाके छुआ। मिड कैप्स में अगर आप देखें रुझान ठीक ठाक था, हालांकि अगर आप देखें लार्ज कैप की तुलना में अगर आप देखें कम था लेकिन फिर भी काफी ठीक ठाक, लेकिन आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग बेहद शानदार रही। एक दो स्टॉक्स में आपको जरा इस प्रोस्पेक्टिव से बताता हूं कि वायदा बाजार में क्या हुआ। टाटा मोटर्स मैच टॉप OI गेनर है विद 29% OI बिल्डअप यानी शॉर्टिंग, बजाज फाइनेंस में सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग, उसके बाद HDFC में बैंक में अगर आप देखें निफ्टी में सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग, TCS में काफी शॉर्टिंग हुई है और टेक महिंद्रा में अगर आप देखें IT स्टॉक्स में आज काफी शॉर्टिंग हुई है। पूरे बाजार में अगर आप देखें तो आज जिन स्टॉक्स में अगर आप देखें सबसे बड़ा OI गेन हुआ है इस क्रम में सबसे ऊपर था NMDC, टाटा मोटर्स, डॉक्टर लाल पैथलैब में लॉन्ग क्रिएट हुआ, बजाज फाइनेंस में लॉन्ग क्रिएट हुआ, एलकेएम में लॉन्ग क्रिएट हुआ और साथ ही साथ गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट ये भी एक ऐसा स्टॉक था जिसमें काफी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग क्रिएट हुए। हर्षदा आज सीधा सौदा की टीम में क्या हुआ? आज देखिए काफी इंटरेस्टिंग इंडिविजुअल ट्रेड्स देखने को मिले लेकिन वीरू फाइनल रिटर्न्स स्क्रीन पर आ जाएंगे जहां पर दरअसल नीरज ने बाजी मारी है। 1% के रिटर्न्स हुए नीरज के, आशीष के 0.5% के। आपको फटाफट बता देते हैं कि किन किन स्टॉक्स में सबसे ज्यादा कमाई हुई, तो नीरज की टीम आपकी स्क्रीन पर आ रही है, सेलन एक्सप्लोरेशन इनकी टीम में ये चमका, HOEC, रोटो पंप्स और इजी ट्रिप ये वो काउंटर्स थे जहां पर हमने देखा है नीरज ने तेजी का ट्रेड लिया और उसका फायदा इनकी टीम को जरूर मिला। 5% के गेंस देखने को मिले थे आज सेलन में। वहीं देखिए अल्फा जियो, ये था आज आशीष का टॉप ट्रेडेड काउंटर, 3% ऊपर। थॉमस कुक भी इस टीम में शामिल, 2% की तेजी। ऑयल इंडिया इंटरग्लोब एविएशन में भी लगभग 0.5 से 1% तक के इनके रिटर्न्स बने हैं। तो चलिए ये रही आज की पूरी कमाई जहां पर हमने देखा निफ्टी फाइनली 15818 पर जाकर टिका, हल्की सी गिरावट लेकिन आज दिन भर काफी एक्शन देखने को मिला है। मिड कैप इंडेक्स भी 13 पॉइंट नीचे लेकिन बैंकों में निजी बैंकों का सहारा मिला निफ्टी बैंक को और फाइनली 350 अंकों की बढ़त पर हम जाकर टिक जरूर रहे हैं। कल का दिन ऑफकोर्स इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि आज शाम अमेरिकी बाजार ट्रेड के लिए उतरेंगे जरूर लंबे वीकेंड के बाद। वीरू और मुझे दीजिए इजाजत लेकिन नजरें रहेंगी कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर और दीपाली हमारे साथ जुड़ गई हैं। दीपाली बताइए बड़ा ट्रेड कहां देखा जा रहा है आज कमोडिटी में? कमोडिटीज में चौतरफा एक्शन देखने को मिल रहा है अर्शदा, वो भी तेजी का, क्योंकि सोने और चांदी में कई दिनों के सॉफ्टनेस कंसोलिडेशन के बाद तेजी बनते हुए दिखी क्योंकि भाव 1-1% ऊपर है। मेटल्स में काफी सेशंस के बाद इस हफ्ते की शुरुआत से रौनक लौटती हुई दिखी है। क्रूड लगातार उबल रहा है, वही रुझान अभी भी बना हुआ है क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाने को लेकर कोई डिसीजन नहीं हुआ है। डिमांड अच्छी है, $77 के ऊपर ऑलरेडी ब्रेंड के भाव आ चुके हैं और अब $85 तक की भी बात हो रही है। तो चौतरफा एक्शन है लेकिन इस तेजी में अपॉर्चुनिटीज कहाँ आए इस पर करेंगे बातचीत कमोडिटी राउंडअप में एक ब्रेक के बाद।